All right, well, welcome everybody. Bobot swagat aap sabhi logo ka another live stream. Thank you so much for joining in. Tushar Shinde, hello, welcome to the stream. Vikas, Bharat, Prem, Kolhar, Prashant. Khana khali hai bhai. Thank you, Lalit Patel, Akash. Bilbil, bobot swagat. Tushar again, Prashant, Parth, Nilal, Mohammed Navita. Welcome to the stream, dear member. Bobot swagat aapka. Vikas bhai, dear member, bobot swagat. Tushar Shinde, 100k pe face cam, brother. Aniket Singh Rajput Babu, swagat brother. Thank you for joining in. Kaise ho aap sabhi log? Hope you guys are having a great time today on the stream. And what else? Aap logo ka din kaise gaya? It's a Monday, right? Aur I hope ki sab kuch theek chal raha hai. Right. Lunch haan ho gaya. Udon sab lunch ho gaya. Thakur, ye voice mujhe de do Thakur. De dete hain, lekin uske liye samajh rahe ho na, jana padega kahin aur. ट्रांसफर के लिए मेडिकल साइंस के पास. आप क्यों सोच रहे थे भाई? तो व्हाट एल्स आप लोग बताओ, लंच वंच हुआ? डिड यू गाइस एक्चुअली हैड योर लंच प्रॉपरली? राइट, क्या आया वही बताओ. दूसरी बात ये, कल की स्ट्रीम मजा आया? डिड यू एंजॉय इट? Did you enjoy the stream yesterday, key stream? Dilip Patel, Patel, bahut swagat. Abhijit Roy, bahut thank you. Chirag, thank you brother. Rishikesh Dalvi, bahut swagat. Abhi lunch kiya, yes bhai, very nice, very nice, very yes bro, maza aa gaya bahut. Thank you yaar. To kal ki stream to bahut mazedar hui. Kal ki stream kuch zyada hi mazedar hui. Okay. इतनी मजेदार की क्या ही बोले भाई. राइट, मतलब क्या मेरा एक्सपेक्टेशंस था ऐसा? नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मतलब इतना अच्छा हो जाएगा. राइट, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किया. पॉइंट ऐसा है कि गाइस, यू नो आई एम मच मोर इंटरेस्टेड. मुझे मराठी उतनी आती नहीं है. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत यू नो ग्रास्प कर लूँ क्या लिखा हुआ है उस हिसाब से, या कुछ क्या बोल रहे हैं लोग, तो मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूँ. कोशिश करता हूँ, नहीं समझ में आता तो नहीं समझ में आता, ऑनेस्टली बोल देता हूँ, जिससे आप लोगों को भी समझ में आए कि हाँ भाई, सिद्धार्थ को नहीं मालूम है. तो थैंक यू कुमार घेरा देव, बहुत स्वागत ब्रदर, वेलकम टू द फैमिली. थैंक यू. इतना बड़ा स्क्रीन पे आएगा, ये सोचो. बाप रे बाप. हमारा अभी खत्म हुआ, माना कड़ी और राइस खाया. आप बताओ आपने क्या खाया? मैंने दाल था, चावल, पापड़, आई थिंक यस, यही सब सारी चीजें थी. इट इज प्रीटी मच इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया. लेकिन सभी लोगों का स्वागत है, जो लोग भी स्ट्रीम पर आ रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम. आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लो तो आप लोग ये बात कर पाओगे. सब्सक्राइबर ओनली मोड इसलिए मैंने किया है क्योंकि चैनल पर आजकल वो बॉट्स चल रहे हैं ना, जो इंस्टेंट चीज आके बोलने लगते हैं, ये लिंक यूज करो, वो लिंक यूज करो, एडल्ट डेटिंग साइट्स वाली. तो उनको अवॉइड करने के लिए मुझे सब्सक्राइबर ओनली मोड इनेबल करना पड़ा. तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस बात को समझोगे और सब्सक्राइब करके चैनल को चैट में बातचीत चालू कीजिए. सर वेलकम, वेलकम टू द स्ट्रीम. तुषार शिंदे, यस, सोना खाना लास्ट में क्या है? फ्राइज, फ्राइज है क्या लास्ट में भाई? सोना खाना फ्राइज. इट इज रियली ग्रेट. लेकिन एक बात बताओ, कल सबसे अच्छा मोमेंट क्या था? कल का सबसे अच्छा मोमेंट क्या था, ये बता सकते हो आप लोग? मैं सोच रहा हूँ कि छोटी सी क्लिप निकालूं और डालूं, जिससे थोड़ा सा और चैनल को रीच मिले. लेकिन उसके लिए मुझे हेल्प चाहिए थोड़ी, आप लोगों की हेल्प चाहिए थोड़ी, आप लोगों की. बताइए, आवाज़ तो ठीक आ रही है, कर लिया मैंने तो. ज़रा बताइए मुझे प्लीज. सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, आर्यन गेमिंग, अभिजीत रॉय, अनिकेत सिंह, राजपूत, चिराग, ललित और नवीद साहब, प्रशांत, ऋषिकेश, तुषार, सभी लोगों से पूछ रहा हूँ कोई स्पेसिफिक सेक्शन जो आप लोगों को पसंद आया हो. हेलो प्रवीण मुले, क्या हाल चाल है आपके? स्वागत. अगर आप लोगों का नाम सब्सक्राइब करने पर नहीं दिखता, इट्स बिकॉज आपने अपनी सेटिंग्स को प्राइवेट करके रखा हुआ है.
जब भी आप किसी को सब्सक्राइब करते हो वो पब्लिकली नहीं दिखता किसी को भी कि आपने किसने सब्सक्राइब किया हुआ है, किसको किसको किया हुआ है, इसीलिए आपका नाम चमक करके नहीं आता। जब आप पब्लिक सब्सक्राइब करते हो कि हाँ भाई मेरी सेटिंग्स में ऐसा होनी चाहिए कि मैं किसी को भी सब्सक्राइब करूँ, लोग मेरे चैनल पर आके देख सकें, राइट, तो वो बड़े अक्षरों में आपका नाम दिखता है मेरे चैनल पर, ठीक है ना। काम 25 वाला, अच्छा काम 25 भाई, भाई काम 25 26 56 57 ये सब भी तो हो सकता है। क्या बोल वाला सुनो, सॉरी बहुत स्वागत ब्रदर, वो वाला सीन जब पांडे जी गलती से मुफासा भी का नाम लेते हैं और उनको पता चलता है, अच्छा हाँ वो नेक्स्ट रूम में ही, हाँ सुनो पिगिन वो स्वागत, डिस्कॉर्ड पे रीच बढ़ाओ एंड वाइट ही रीच हो जाएगा। डिस्कॉर्ड पे कैसे रीच बढ़ाओ, लोग फेक आईडीज बना बना करके आ रहे हैं, नीड मेच्योर इंडिविजुअल्स, बच्चे लोग नहीं चाहिए ना, 10 साल के बच्चे लोग आ जाते रहे वो भी आकर के बड़ों के बीच में घुस जाएंगे, आप समझ रहे हो ना, पर उनका माइंडसेट कुछ और ही चलता है, इसीलिए बस बट आइडिया बुरा नहीं है सुनो ओपी गिविंग, तो डिस्कॉर्ड पे रीच करिए, जो लोग भी हेल्प करेंगे अच्छी बात होगी, मुझे भी रीच मिल जाएगी। बिकॉज पांडे जी, हाँ पांडे जी प्रशांत, मुझे तो पांडे जी ने जब गा तब मजा आया बहुत ज़्यादा, और क्या भाई फुल अनु गेमिंग बहुत सॉरी, अच्छा हेलो क्या हाल चाल है, नमस्कार बिजली जी कैसा आहे, कैसा आहे तुम्ही, am I right, तुम्ही स्टिल कैसा है, तुम्ही इज लाइक स्टिल अपर वर्जन ऑफ रिस्पेक्ट राइट, कैसा है तुम्हें और समथिंग कैसा है तुम्हें, हाँ लाइक आई थिंक इट्स अ बेटर वर्जन ऑफ द रिस्पेक्ट, सो यस नमस्ते, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ डिस्कॉर्ड पे। दोनों ओपी गेमिंग दो चीज़ें याद रखना, पहला एडमिनशिप मुझसे कभी मत मांगना, दूसरा रेट वेट करने की कोशिश मत करना डिस्कॉर्ड पर, बिजल मैं ये बात बोलता हूँ, डिस्कॉर्ड पे बहुत कुछ चीज़ें उल्टी पुल्टी होती हैं एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट, आपको अपने आपको रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो, ये बस सिंपल सी बात है, इसमें कुछ आपको आपको कॉलर ऊंचा करने का मिलेगा ऐसा कुछ बात नहीं है, जो लोग कर्टेसी में करते हैं मस्ती में करते हैं हंसी मजाक करते हैं दैट इज़ फाइन राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रदर मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, जो आएगा तो थैंक यू पप्पा को थैंक यू बोल देंगे बस दैट्स इट। मी मस्त, तुम्हें कैसा आए आहत मास्टर, अरे मास्टर मस्त आहत मस्त मस्त आहत, हाँ सही है यस राइट, हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम, बिजली जी को प्यार दो गाइस सभी लोग, हैशटैग बिजली जी कर दो भाई प्लीज, ओके मजा आता है। लेकिन कुमार खेड़ा दे बहुत स्वागत ब्रदर, लव फ्रॉम श्री मारामी, थैंक यू सो मच, थैंक यू कुमार, थैंक यू। जीवन जाले का जीव, अरे हमने सही बोल दिया क्या, दैट्स इट राइट, जीवन जाले का बिकॉज जेवन जाले का, हाँ बिकॉज जे एंड देन वन है ना, सो जेवन जाले का, हाँ हाँ जाले जाले बहुत जाले, राइस जाले, दाल जाले, पापड़ जाले, और उसके बाद क्या बोलते हैं उसका यार, मिष्टी दही नहीं जाले, लेटर जाले, इवनिंग थोड़ी देर में जाले, सही। थैंक यू उरी फ्लिक, थैंक यू, देख रहे हो क्या नाम चमक रहा है गाइस आप लोगों का, ये देख रहे हो, ये देखा आपने स्क्रीन पे इतना बड़ा राइट, तो बहुत मजा आया यार मुझे, बाय द वे आवाज खतरनाक है, अच्छा अच्छा, तो भाई देखो जिनको भी डिस्कॉर्ड पे अपना प्यार देना है बने रहो, जाओ वेरीफाई करो, एंजॉय करो, चैनल चैट आप ही का है, एंजॉय कीजिए, किसी को फ्लेक मत दीजिएगा, बैड मत बाउथ कीजिएगा, पोर्नोग्राफी वाली चीज़ें मत कीजिएगा, अडल्ट्री मत कीजिएगा, अनवांटेड लिंक्स मत टाइप कीजिएगा, किसी को प्रमोट कर मत दीजिएगा, बस दैट्स इट, हैव अ चिल टाइम, गाने वाने सुनो, सब प्रीमियम म्यूजिक बॉट्स है वहाँ पर, बहुत पैसे दे के बनाया हूँ मैंने डिस्कॉर्ड। कुमार अनिल हेलो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन, प्रशांत बिजली जी 1041 बाय बाय बिजली जी 1041, ये तो होना चाहिए यार, आफ्टरनून में पता नहीं क्या है। हर्षल अग्रवाल 18 वेलकम टू दो, यू आर फ्लिक, यू आर डूइंग अ रियली गुड आरपी, अरे मैन थैंक यू थैंक यू, लेकिन थोड़ा मस्ती मजाक भी होना चाहिए गाइज, रिफ्लिक थोड़ा सर्वर में मस्ती मजाक भी होना चाहिए, समझ रहे हो, यहाँ पे सीरियस आरपी शायद नहीं होगी, तो मैं फन वाला आरपी ही कोशिश करूंगा, ठीक है, मैं सीरियस आरपी में बहुत कैपेबल हूँ,
राइट, अब देखते हैं सर्वर जैसा ले जाए, उनको चाहिए कि भाई, क्योंकि मैं भी थोड़ा रिलैक्स होकर कर रहा हूँ ना, मैं आरपी कल बहुत एक तरीके से ले जाना चाह रहा था जिसके सबको आरपी मिले, यू नो पूरा मास गैदरिंग हो, मजा आए। अनु जी क्या बोल रही हैं आप, वाओ सीख गए मेरे मास्टर, बट आप मुझे सिखाना बाद में, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट मी टू डू? वन सेकंड गाइस, या तो ठीक है, लाइक सिर्फ डिस्कॉर्ड है, सिर्फ डिस्कॉर्ड है, सुनो कुमार गिरा दे, वाह भाई ऑफ कोर्स लव फ्रॉम श्रीमान फैमिली मेरी जान। अच्छा मैं ऐसे बोलता हूँ इसको, ओके हाउ पीपल से इट यूजुअली, ओके लव फ्रॉम श्रीमान फैमिली मेरी ऐसे है ना। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू पवन, पवन थैंक यू, थैंक यू तो करना है, अभी है क्या, अभी है तो कर लेंगे यार, कुछ ना कुछ मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। पीडी ट्रेनिंग मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ ना कि अगर वो मैंने बोला ना कि साइलेंट वाला चीज जिससे कि आप गुस्सा हो जाओगे यार अचानक से, वो हो सकता है, और बैंड बज जाएगी लोगों की। गणपति बाप्पा मोरया भाई, मोरया मोरया दे। हेलो विवो क्या हाल चाल है, क्या बोलती पब्लिक, वड़ा पाव वड़ा पाव, क्या विवो क्या बोला ये अचानक से आकर के। स्टार्टिंग में देख रहे हो, एक बंदा ये है यहाँ पे चैट में, कहाँ गया, स्टार्टिंग में था ये, देख रहे हो ये, आपको ये समझ में आया वरद ने क्या बोला, समझ में नहीं आया, और उसके बाद उनको कोई चैट ही नहीं है, समझ रहे हो, वो कुछ पसंद नहीं आ रहा ऐसा लग रहा है उनको। आजकल बहुत वियर्ड चीजें चल रही हैं भाई, बहुत वियर्ड चीजें हो रही हैं। आई एम मरियू लाइफ, हेलो वेलकम कॉम्पोचीस, ठीक है ओमेगा सर, ओमेगा पांडा कॉम्पोचीस, मैं बोलूंगा आप तक छप्पन। गॉड विच, आप टीआरपी को कितना लाइक करते हो बताओ, अभी तो वहीं खेल रहा हूं, समझ जाओ मैं बहुत सिंपल हूँ गाइस, ये सब बड़ी बड़ी बातें मुझसे नहीं होती हैं, बहुत सिंपल है, लोग मुझे जानते हैं। अगर आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, आप लोग शिवान फैमिली से हो ना, अगर शिवान को मेरी चीजें पसंद आ रही है तो आप समझ जाओ बस, और मुझे कुछ नहीं बोलना, इतना बार मैं नहीं बोलूंगा। रैपर बन गैला मैं, अच्छा रैपर बन गैला। अरे रैपर लोग बोलते ना, अच्छा अच्छा। हेलो रिधि क्या हाल चाल है, वेलकम टू स्ट्रीम। अनु गेमिंग कहती है कि स्पेंसर सर ज्यादा तो सीरियस बट आपको फनी आरपी ज्यादा मिलेगी। हाँ वो तो मालूम है मुझे, मुझे कितना डांट पड़ती है, थोड़ी देर सीरियस बाद में फिर नॉर्मल होती हूँ। अरे देख तुम भी कम 25 करोगे मेरे चूमो 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 चूम चूम। आते ही पहले लाइक करता हूँ भाई, थैंक यू यूट्यूब शॉर्ट्स, थैंक यू ब्रदर, मच लव। अथर्व महाजन आपका कहना है कि हेलो सर आई एम बैक, स्वागत। गॉड विचर कहता है थैंक यू सर जी, यू मोस्ट वेलकम ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। समर्थ आयाचित आपका कहना है कि हेलो, मैंने कहना है हाय। पवन कांकोनकर का कहना है कि यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब मेरी जॉन इन टीएलआरपी सीरियस मोड ओपी। ओके भाई थैंक यू भाई, थैंक यू पवन, थैंक यू, लाइक कर देना प्लीज। अनु ओपी गेमिंग बहुत स्वागत, रिद्धि कहती है अनु गेमिंग वाह वाह। गाइस रिद्धि को भी खींच करके लाएंगे अपन लोग टीएलपी में, वेट बहुत जल्द। सागर खोमिन ने बहुत बहुत स्वागत। वीबो भाई स्पेंसर की सीरियस आरपी देखने में मजा आती है, साथ में करने में पट के चार हो जाती है। ओह ओह जा रहा हूँ प्रशांत, जा रहा हूँ।
पहले भी सी आने दो, ऑफ कोर्स मजा तो है। अब आएगा जब मुफासा रोबरी करे और स्पेंसर उसको चीज करेगा, बोले कम जापान आ जाएगा जल्दी अब। ओके वेरी नाइस, ठीक है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। लॉल भाई, लॉल ही है भाई वो। चलो आज से मंडे तो फ्राइडे रात के 2 बजे बाद ही मिलते हैं, अभी ऑफिस जा रही हूँ बॉय। देखो मैं तो कहता हूँ कि ऑफिस से भी ना चुपचाप से यूट्यूब ओपन करके बने रहो, समझ रहे हो? देयर इज द बेस्ट वे, एक्चुअली बेस्ट वे मींस बेस्ट वे, देयर इज नो टू वेज अबाउट दैट। बेस्ट वे मींस बेस्ट वे, आप समझ रहे हो? हसी बन गए, आनमी बन गए तुम मेरे आसमां, मेरी सभी बन गए तेरे नाम। आ जाओ जयिन 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 सर, आज स्पेंसर सर की लग रहा है सर। ये स्पेंसर सर है? हाँ तो लुकिंग डैशिंग। हाँ पीडीएम गए थे गाड़ी खरीदने। हल्ला दो दो हाथ से सेलेक्ट yes. करने। रुको रुको मैं आया कैप्टन ऑफिस बुलर। हेलो कैसे हो आप? बोले जी और गुड। ऑल गुड गुड। कैसा चल रहा है टेम्परेचर? टेम्परेचर एक्चुअली इट्स क्लियर एंड सनी आउटसाइड यू नो। Yeah, yeah, yeah. बस यही दिन भर यही चल रहा है। आ जाओ सनी आउटसाइड यू नो। इयरफोन, ओ वाह क्या बात है, इयरफोन ओपी इन ऑफिस, क्या बात है भाई। हाँ भाई और क्या, इयरफोन में बहुत है ना भाई। भाई ड्यूटी पे आ रहे हो? हाँ एक सेकंड देवा उरी फ्लिक। वैसे पांडे के सीनियर तुम होने चाहिए, उसका डिमोशन करा। अरे माथा खराब है क्या? शिवान को भी कल सीरियस आरपी चाहिए थी, बहुत आरपी सीरियस चाहिए था। और उस यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये एक चीज मैं कल बोलने चाह रहा हूँ। ओके रिद्धि जो आपने बोला कि श्रीमान लजन को भी सीरियस आरपी चाहिए, उस वक्त बैठ कर कोई हंसी मजाक का आरपी करता रहेगा तो बोलेगा भाई किसको हायर कर दिया, कौन आ गया सर्वर में, कुछ भी कर रहा है, समझ रहे हो? तो वो मत करो, पासपोर्ट फोटो के लिए सही है। पासपोर्ट फोटो समझ रहे हो? उनको भी चाहिए। वॉचिंग यू आफ्टर श्रीमान लजन खान। थैंक यू नईम खान, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत ब्रदर। आज देखो मजा आएगा। अब पाणी जी संडे को है। जयंत जयंत क्या चाल है सर? हाँ संडे आज चाहिए बना के दे सर। जयंत तो सैटरडे संडे सब बोलो, मेरे को लगा दो वापस दो। अरे रहने दो, ये जेरॉक्स कॉपी रहने दो उसके पास, उसको एक अच्छे से बना के दो। हाँ वही वही वही। अरे ये रखो तुम्हारे पास ही रखो, थोड़ा ना अच्छे से बनाओ पीडी का। नहीं कैसा वो ना हाँ वो बैकग्राउंड में। जयंत सर जयंत, खाली तूने ऐसा किया कि मेरे साइन पे खर्च के लिए ऐसा लग रहा है, वही लग रहा है स्पेंसर सर कुछ ज्यादा ही खा के। यस यस सोडा ब्रेड। फोन किसका बज रहा है? साइलेंट बबलू का शायद। नहीं मेरा किसका फोन है? अभी ये रखो बबलू, मैं तुमको बना के देता दूसरा। और टेन सर क्या हाल चाल है आपके भी? बढ़िया यस यस एकदम बढ़िया बढ़िया। अभी हो गाइस मजा आने वाला, अब मजा आएगा। अभी रुको, ये जैन सर, जैन सर, जैन जैन सर बाप रे कैसे हो? तुम किधर हो गायब? ये रहो स्पेंसर सर, वो थोड़ा बिजी है वहां पे काम पे, थोड़ा रोड बढ़ गया। साइलेंट साइलेंट आवाज सर, साइलेंट आवाज। हां थोड़ा दबा करके हंसना पड़ता है भाई, जोर से करेंगे तो बराबर। अच्छा ये बताइए पहले कि सर आप कहां लड़के आए हो, आपके छाती से इतना खून निकल रहा है। सब लड़के ने हम युद्ध करने के लिए गए थे, युद्ध में हम घायल हो गए। ये बाइक चला रहे होंगे, बाइक से उड़े होंगे ऐसा। मायने की इधर से डायरेक्ट, वो डोंगर से डायरेक्ट रास्ते पे आ गए हम नीचे। अरे भाई भाई, और इनको तो लोकल ने मार दिया। वाह भाई लोग आजकल लोकल सर बहुत मारते हैं, मैंने देखा है।
सच में देखा है मेरे को भगवान तिमन भाई को सीरियस कॉप आरपी चाहिए होती पर ऑटोमेटिकली फन आरपी हो जाता है वही तो यार बस बस और क्या रिद्धि और क्या आपको मराठी आती है योर आरपी इज गुड बाय थैंक यू यार नहीं आती यार यूट्यूब शॉर्ट्स सिखा दो को यार मराठी करने वाले के पार्टिसिपेट उसमें हां ना ना मैं तो और बोल तो रहे थे सर कल आप पार्टिसिपेट करोगे क्या बोल रहे सर ये तो बोल रहे थे कल पार्टिसिपेट करेंगे किसमें उसमें अपना वो बॉक्सिंग में क्या निकाल लिया क्यों सर उसी दिन आप बोले ना इवेंट पार्टिसिपेट करेंगे आप अरे कौन सा इवेंट और ये कौन सा है ये बॉक्सिंग का है बॉक्सिंग में नहीं करने वाला सर क्या कर लेंगे जाके कर लीजिए ना 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 काम है काम होता है काम होता है हम एंजॉय करने जाएंगे ऑफ ड्यूटी जाके उधर जाके देखेंगे चीयर अप करेंगे हम चीयर अप सब बराबर मैं बड़ा आए है मैं बड़ा आए गाइस मैं बड़ा आए है मैं बड़ा आए है मैं बड़ा आए वेरी नाइस मैं बड़ा आए बबलू सुनो ना थैंक यू नईम खान साहब तुमको भी मिलेगा और एल्स मैं मस्त आए मैं मस्त आए स्पेंसर सर जी सर नमस्ते बताइए ये ज्यादा मेरे को बोल रहे तुमको भी प्यार मिलेगा तुमको भी प्यार मिलेगा इसको कीने का मेरे को बोल रहे टोमना मार रहे मेरे को प्यार मिलेगा तुमको भी का मतलब क्या मतलब भी क्या होता है तुमको भी प्यार मिलेगा मतलब ऐसा हेलो उनको आप क्या बोल रहे हो सन टीचर उनको पता क्या बोल रहे हो मेरे को सर आप सच बताइए आप क्या बोल रहे हो पांडे जी भी यहाँ पर है हमारे सीनियर है बताइए मुझे नहीं समझ मतलब आपको भी प्यार मिलेगा जब तूने पीढ़ी में यूनिफॉर्म में ही बोल रहा है क्या ऑफ ड्यूटी का मैटर लॉयर थे लॉयर कहाँ लॉयर था रिकमेंडेशन चाहिए जो आए हो ना तो अभी नींद तुम्हारी खुल गई है जोप ने स्पेल थैंक यू सो मच ब्रदर सब ब्रदर वो प्रेम का मतलब ही लव होता है ये हम जानते हैं हाँ वो दे दिया मैं दूसरा बना दूंगा उसमें पीछे वो डाल दूंगा अपना ये पहले बंडे चैंपियन था नहीं सर कहाँ हमारा एक मसली का आदमी हो मारते ही गिर जाऊंगा ये देखो तो सही क्या सर दे रहा रुको ये क्या दे रहे हैं सर ये लीगल है लीगल नॉक दे दिए क्या आप हमको देखो इन्होंने बनाया फास्ट बनाया ओ? अभी रात्स करके मेरे को लगा आज है रात्स करके तेरी बात नहीं रे ये जो बबलू सुपर है मेरे को दिया है बबलू ने बनाया दियो दियो बबलू ने मैंने हेलो सर उसमें दे रहा हूं है तो बहुत खूबसूरत लेकिन आई एम रियली सॉरी आई कैन बी प्रोवाइडिंग द क्या बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सपीरियंसेस बट उसके बाद नहीं फाइट में नहीं एमएमए फाइट वन मैन स्टैंडिंग ओपनिंग क्या पता सर कोई जाके चाकू को मार दे किसी को इसलिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता हूं अगर अगर परमिशन हो तो वो सब लेकिन फाइट नहीं जाऊंगा थर्ड एंड फोर्थ ऑर्गेनाइज वो अपना चुलबुल जी आपने बोला वो मैं उनको लाख मतलब आने के बाद आपसे मिलवाता हूं क्या बोला जा रहा है मेरे साथ जो बोला वो करते तो फिर वहाँ पे हमारा आना रीजन भी भाई मैं कार ड्राइविंग टेस्ट में पास हो गया क्या बात है प्रशांत लेडीज भी है अरे कितना देखो तो मेरे मेरे साइड टिक्स काम आई ने प्रशांत आपको सपोर्ट करना चाहिए मेरे चैनल को प्रशांत प्रशांत परचेस कर लो सारी मेंबरशिप से यार ज्यादा ज्यादा चोट ना पहुंचे गेमिंग बॉन्ग काइंडली गो अहेड एंड वेरीफाई योरसेल्फ मेरे को भी स्निपी वेलकम एंड वेरीफाई योरसेल्फ चिंता मत करो
सवार अब देखो अब दूसरा अब बता रहा हूँ मैं क्या हो रहा है मेरे जीके जीके मैं ये क्या सीन चल रहा है भाई ज्यादा जी जी नहीं हो मेरे पास हो रहे ना पांडे जी सब है सब लेटर है सिर्फ जेड की कमी है उसको मैं पूरा कर दूंगा किसकी कमी है किसकी कमी है इसकी कमी है इसकी जेड अच्छा जेड की कमी अच्छा जेड की कमी अब किस जेड की कमी है हां बराबर जेड क्या होता है जेड जिग 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 इग्नोर करो इग्नोर कर दो उसको अब इग्नोर करो उसका मेरे को जेड सिक्योरिटी की भी जरूरत पड़ेगी ये श्रीमान जी का स्लैंग अच्छा कैसन बा अरे खूब मजा बा खूब बढ़िया बा आरको बढ़िया से खा करके एकदम मुंह उठा करके एकदम बढ़िया से बैठे है समझे गुड वन पे जाए पांडे सर अभी जाओ रिफ्लेक वेलकम वृद्धि Welcome, अरे welcome. वो उनका डाल दो ना आप सोंटी जी को जी से छेड़ो अच्छा हो ओ हो पूछने फिर वो लाइसेंस गर्ल पूछने का था ना हां को जी चाहिए था आपको बताया ना बताया बोले हां हां अबे कुछ कसरत नहीं है अरे को जी चाहिए जी जी हां सोंटी को जी चाहिए जी जेड चाहिए जा अरे मेरे मुंह से क्या निकल रहा है सॉरी कुछ भी निकल जा रहा है ये क्या कर रहा हूँ मैं व्हाट इज दिस और क्या पर प्रिंट 1000 लेंगे वेलकम प्रशांत हां किसका लाइसेंस अरे यार दिल यू भाई पार थैंक यू अरको देख रहे हो गाइस जो लोग मेंबरशिप ले रहे हैं उन लोग स्टिकर्स यूज कर सकते हैं दिल्ली वाला अगर आपको मुझसे प्यार हो गया हो तो दिल यू यूज कीजिए समझ रहे हो हंटिंग करनी क्यों है सोंटी जी को जेट से रोहा छेड़ दिया मैंने कुनाल बोस और इफ लाइक अच्छा ये मेन 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 क्या होता है मुझे समझ में नहीं आया थैंक यू ओम सतपते कुनाल बोस क्वालिटी आरपी मस्त फ्रॉम वेयर आर यू कोलकाता और इफ लाइक जी जी दुआ में याद रखना जी बिल्कुल दुआ में याद रखना सोंटी जी मेरे को जरा शाम तक मेरे को छोड़ सकते हो हां रुको गाड़ी हां लाइक शेयर सब्सक्राइब तीन चीज करना ओके वेयर आर यू नाना अच्छा वो उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं रिद्धि बता सकते हो ये जो एम ए आई एन लिख रहे हैं इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं ये मराठी वर्ड है क्या जैसे तेलुगु में मंची का मतलब होता है बहुत अच्छा राइट हेमायंदी मंचिका मतलब बहुत अच्छा है राइट ऐसे थैंक यू फॉर योर 20 रुपीस के सुपर चैट के लिए भाई थैंक यू फॉर द 20 माटलान अन्नू है मैं इज लाइक वे टू अप्रिशिएट अच्छा इंग्लिश नहीं हिंदी है वो वर्ड है मेन चैट मिस क्या है ओरिफ्लिक अच्छा वे टू अप्रिशिएट अच्छा लेकिन मेन मतलब इंग्लिश वाला मेन अच्छा मेन बोलते हो मेन ऐसे बोलते हो आप नहीं मेन जो इंग्लिश में मीनिंग है वही है स्पेंसर सर है हाँ बोलो बोलो स्पेंसर हाँ बोलो बोलो सर हमारे लाडले पेंचर जॉगिंग के लिए जा रहे क्या पेंचर रनिंग के प्रैक्टिस अरे मुझसे शादी करना है क्या साथ फेरे ले रहे हो साथ फेरे ले लिया मेरा घूम घूम करके क्या साथ फेरे ले लिया मुझसे आदमी तो मत रहे हो हाँ जो सेंटर ऑफ सिचुएशन है जो सबसे बढ़िया है वो ऐसे अच्छा देन इट्स ओप इंग्लिश वाला ओके वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस सभी लोग लाइक शेयर जरूर करना मैं मतलब इंग्लिश वाला थैंक यू अर्जुन
और को कहना है कि चैट में नशा चल रहे हैं और क्या भाई, बहुत बड़ा नशा है ये। जरा सी दिल में दे जगा तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा लग रहा है कि सुन लेंगे भाई पांडे जी तो बोलेंगे सारा गाना गा रहा है खाली बैठ करके। अभी नहीं, वर्क वाला काम करता हूँ, थोड़ा वर्क करते हैं फिर करते हैं गाइस। ओके ओके ही बॉय। सारे इंटरनेट के मीम्स में अगर मैं ही आवाज देने लगा तो हो गया। संकेत भाले राव मेन रिजेंबल्स नाइस। अच्छा ऋषिकेश कदम बहुत स्वागत। फेस स्कैम कब करोगे? 100K पे मेरे भाई, अगर 100K हो गया तो कर दूंगा। उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी, बहुत सादगी लगेगी, बहुत डिटर्मिनेशन डेडिकेशन ये सब लगेगा। 100K बहुत दूर है यार, 100K करने में बहुत टाइम लग जाएगा, देखते हैं। लेकिन फिर भी वो एक टारगेट है, 100K पे मैं फेस कैम करूँगा। पता नहीं रैंक कब मिलेगी रिद्धि, मुझे नहीं पता यार, वही लोग डिसाइड करेंगे क्या है क्या सीन है। देना चाहिए था, पता नहीं क्या है। और दूसरी बात यह है कि कुछ शहर के मतलब लाइक यू नो नियम कानून है, वो सब शहरों से अलग है, ऐसा बोला है पांडे ने। तो आई विल एक्चुअली सी व्हाट इज व्हाट, राइट, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, तो देखना पड़ेगा। अब मेरे बोल करके मैं थोड़ी श्रीमान से बोलूँगा कि भाई ये वाला चेंज करवा दो, ऐसे मत रखो वैसे मत रखो, ये तो मैं नहीं करने वाला, जो है सो है, राइट, मुझे देखना पड़ेगा। इससे थोड़ी सी आरपी इफेक्ट होगी, देखते हैं ना पांडे जी को, वही बहुत जल्द करेंगे, कुछ बोल तो रहे थे कल। एसएम सौरभ हेलो, आज बहुत खुश हो सिट भाई। हाँ यार आज थोड़ा सा छुट्टी है, थोड़ा रिलैक्स भी कर रहे हैं, लिया है मैंने छुट्टी लिया आज, दैट्स व्हाट इट इज। ऐसे जाके आज क्या मंडे के दिन फिर से काम करो भाई, जब तो जहद भूम भाम भूम भाम। चलिए फ्रेंड्स ब्लू शर्ट लगा कर देखो तो चश्मे का लो, बहुत बढ़िया। देखता हूँ प्रेस क्यों किया तो चला गया। मोरा पिया मुझसे बोलते ना, हेलो मान बोलो ना एक बार, हेलो मान, विच मान, क्या मान, इसका मान। चलो आई थिंक ये हो गया ना भाई, खाना वाना तो इधर सेट है। अरे भाई रुक जा, ये क्या है, ये कब आया, मैगी पास्ता, ये कब आया, मुझे निक्स ने दिया था क्या, ये मुझे निक्स ने दिया था शायद शायद। ऑयल हो गया क्या, यूज ही नहीं हो रहा, हाँ कुछ इश्यू हुआ है इसीलिए। अरे क्यों बोलूं भाई, मैं कोई वो हूँ क्या, नाचने वाला कठपुतली, ऐसे थोड़ी होता है। निकल हेलो ओम सतपुते हेलो, एक बार बोलो ना टच करा करा खूब है भाई, ये नहीं आता मुझे, सब क्या बुलवा रहे हैं हमसे, माता खराब है क्या, आरपी देखो उन बे कहाँ बोल रहा है इन लोग सब। अरे मैंने सुना था किसी का एक फनी वाला, ये सब करवाने के लिए आपको इतने करने का सपोर्ट करना पड़ेगा, बोला अच्छा ठीक है करता हूँ मैं अभी जा रहा हूँ चेक तोड़ाने। हाँ अगर हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा।
फिर से चालू हो गया जेनिथ शो भी। एक काम करता हूँ मैं आपको, एक आपको मैं, श्रीमान ने कुछ बोला था गाइस इस बारे में, ओके, और मैं इसको मैं थोड़ा सा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलता हूँ। आई डोंट केयर कि आप रहो स्ट्रीम पे ना रहो, राइट, ठीक है, प्लीज़ डू नॉट फोर्स मी टू डू समथिंग विच आई विल नॉट लाइक, ओके, तो फिर बुरा लग जाएगा आपको, सो काइंडली डोंट डू दैट। अभी मैं कॉपी पेस्ट करूँगा वो चीज़ और फिर आपको सुनाऊँगा तो आपको अच्छा ही लगेगा, डोंट डू दैट माई फ्रेंड। अपने कमेंट्स को रिट्रैक्ट कीजिए और अपने पास रखिए। मैं तेल लेने गया, मुझे कोई फर्क नहीं करता, मैं लिटरली बता रहा हूँ, तेल लेने गया मैं बोल रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी जाओगे जो बोल रहा हो वो भी जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरा मुंह अगर अभी खराब होना चालू हुआ तो बहुत खराब हो जाएगा, राइट, मैं बहुत सिंपल सीधा साधा इंसान हूँ। इफ आई गेट माई थिंग्स अप आई विल लिटरली आई विल ब्लास्ट यू ऑफ ऑल, बता, मजाक नहीं कर रहा। टोकन रेडियो, तेल लेने जा और यहाँ से रेडियो। आरपी देखना, आरपी एंजॉय करो, दुनिया भर की यहाँ पे बातें मत किया करो, आई डोंट केयर बिकॉज बहुत हो गया अपमान और नहीं सहूंगा। उस दिन जिस दिन शिवान ने मेरे लिए स्टैंड ले लिया, मैं समझ गया कि भाई मुझे भी अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, राइट, मैंने बहुत पहले यहाँ से मजाक में जाने दिया, ठीक है। तो अगर ये चल रहा है ना, ये तो चल रहा है, तो उसने तो बोला है रिपेयर स्टेशन का हटा दिया, भी बोलते हैं भाई। रुको मैं रेडियो पे आ जाता हूँ। ओके भाई, वो PO750 Spencer Jones 1041 बोला 10-4। कुछ नहीं दीदी, वो थोड़ा बातें बोलना पड़ता है मुझे, मैंने लगातार एक साल इस चीज को बर्दाश्त किया है। और उस दिन श्रीमान ने मेरे लिए स्टैंड लेकर के, मैंने इसीलिए श्रीमान को लिखा था, मैं चाहता था नॉर्मल करता था बट बिकॉज चैट्स भाग रही थी मुझे सुपर चैट के करने बोलना ही पड़ा वो बात। भाई स्टैंड लेने के लिए थैंक्स, एंड आई थिंक बस बहुत हो गया, अब मुझे भी ले स्टैंड लेना चाहिए। तो आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट नाउ। हेलो रायन, क्या हाल चाल है, ले ले, चलो पता लग जाएगा, नेक्स्ट टाइम से कोई बोलने आएगा ना उसको बोलूँगा भाग यहाँ से, क्या पता मैं कुछ और भी बोल दूं उसको, तो बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके, टेक योर शिट एंड गेट अवे फ्रॉम हियर। 76 विल बी टू माइन, आई एम नॉट योर सम पेड वर्कर हु इज गोइंग टू एक्चुअली वर्क फॉर यू फॉर सम बुलशिट रीजंस। भाई कोई जोया ही बन के आ गया, लो अब लो और कुछ नहीं बोलना हमको। अरे शांति सर, आप कहाँ पे हो? ओके सर, नो प्रॉब्लम, आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड, लेट मी नो व्हेन द कोड वन इज ओके टू गो। शांति आ जाओ, जोया ही है, मतलब इन गेम जोया, हाँ नमस्ते। अच्छा अच्छा महाराज जी, चलिए चलिए मायरा जी, लेट्स गो। लॉक अभी बहुत बढ़िया, एक नंबर। और क्या, कम ऑन कॉप्स आर कमिंग।
और बताओ सर कैसे हो, क्या चल? मेरी एज 18 साल है मिस्टर निकिल। स्पेंसर सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। कैसा चल रहा है? बढ़िया बढ़िया यार, ऑल गुड, फंटास्टिक भाई, चल रहा है सब कुछ। आज एकदम मजा आ गया। मजा आ गया आज ऑफिस से, मैंने एकदम पेड लीव ले ली, बोला तब लेने जाओ, आई एम गोइंग टू एंजॉय। ओके भाई, सुबह 8-9 बजे से काम चालू हो जाता है। हेलो मैम, नमस्ते। हेलो मैम, नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो? ऑल गुड, होप होप सर है क्या? हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, फ्लाइंग लाइक ए स्पैरो। चलो शायद हम पहली बार मिल रहे सर। पहली बार मिल रहे लेकिन बातें नहीं कर रहे, भागे जा रहे हो, रुको तो जरा। आओ बोलो। क्या पुलओवर तो राइट बोले क्या? अरे कौन बोला पुलओवर? अच्छा मैं को लगा बोल, मैंने बोल, मैडम ने, हाँ मारे जा भी बोल दो मेरे लिए, ऑन बिहाफ। हाँ हम ऐसा बोल रहे हैं कि मैडम जी आपने बोला कि पहली बार मिले तो बात तो करो। क्या तो भी है, सब चल रहा मस्त। पिस्ता हाउस का वो खाली है हलीम? नहीं यार मैं सुबह से कुछ खाया ही नहीं, भूख ही नहीं लगी। बैंगन की मेरी काई को क्या हुआ? तो बैंगन ही नहीं है बाजार में, तो क्या खाऊं? ले कोई टेंशन नहीं है, एकदम पूरा लाइट लो, अभी अभी आगे चलो, कुछ देर बाद आ जाएगा सब कुछ, फिर देख लेना ठीक है। हाँ एक तो उधर जॉब करते उन्हें पैसे भी नहीं दे रहे मेरे को। हाँ बहुत कम दे रहे यार, मेहनत ज्यादा है मेरी, पत्थरा तोड़ता मैं। अरे कुछ नहीं करते है, तुम खाली पिए तो भूकट के वादा कर रहे हैं बुरा, बस और कुछ नहीं। नहीं यार तू पत्थर मत तोड़ो, अभी तेरे बाजू में जो बैठी है ना उसके साथ अपना सर फोड़ो, चलो। हाँ वही छोड़ा, देखो गाड़ी देख रहे हमारी, वही छोड़ा मैंने। सही है भाई, हो तो भाई, तो बस वही है, टेस्ट वेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट होगा, पूछ लेंगे जिनको पूछना है, अभी अभी टेस्ट ले लेंगे, जो टेस्ट लेना है, क्या फर्क पड़ता है? सुना है 1 तारीख को है। अच्छा क्या करेंगे भाई, ऑल फन। मैं तो फन कर रहा हूँ, मजा आ रहा है। कहाँ से हो आप सर? मजा आ रहा है ना। एक्सक्लेमेशन मार्क अबाउट मी टाइप कर दो भाई। भाई बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, कल ही बहुत मजा आया, कल एक केस का समापन हो गया पूरा, 100% समापन, फिनिश। कौन सा भाई? श्याम वाला केस का। अरे बाप रे, ये घनश्याम, मैंने तो एंट्री नहीं किया वो केस, फिर बाद में। नमस्कार 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 नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। हाँ हाँ सिग्नल तो टूटना, हम आपको इज्जत दे रहे। ये लॉस सैंटोस से ज्यादा लंदन का स्ट्रीट होना चाहिए था। व्हाट हैपेंड सर मैडम? नथिंग ब्रो। ओके लेट्स गो। वो ब्रो एक बार कार को फुल स्पीड पे चलाना देखना बस। अच्छा अच्छा, ओहो तब बाप बना में जोड़े रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्रो बोल दिया आई एम फ्री नाउ। चलिए अच्छा है भाई, बच गए आप, मतलब ऐसे बोलो। स्पेंसर सर बताइए, ये देखो कॉल आ गया। आप मायरा जी को लेके कोड 1 करो, मैं शेरशाह को लेके कर रहा हूं। टेंपोर सर मैं ऑलरेडी कोड 1 पे हूं अभी, जस्ट मुझे लगा रिटर्न बोला है कि इसलिए मैंने रिटर्न। 1041 टेंपोर वेलकम ऑन बोर्ड। कौन है? पीओ 750 प्लस 1 ऑन कोड 1। हां बोलिए क्या? मैं दास 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 नहीं दास 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 वाह भाई भी सॉलिड है। मैं खाली बस वही सोच रहा था कि अभी क्या ऑर्डर करूं, खुला तो सामने आ रहा है बर्गर, बोला भाई मत करो भाई बर्गर
Bloody bugger. 601+2 performing. यहाँ पे तो और भी कुछ बोलते हैं, आपने तो यही बोला. हाँ अच्छा, तो फिर यहाँ पे तो सीधा बोलते हैं मदर को पकड़, अभी क्या बोले. वाह वाह क्या ही बोले फिर अभी. आरपी कौन कौन आ रहा है चैट से? कोई भी नहीं दिखता अभी तो. हाँ विजल, विजल न्यूज़ अभी फिलहाल आई थिंक विजल एक्टिव नहीं है ना, कि विजल एक्टिव है पता नहीं है ना. है हाँ ओके. आपने देखा S50 750 टू डिस्पैच, इस विजल न्यूज़ एक्टिव? 10-4 देखा तो अभी नहीं है, वो रात को शायद आएगा उसका कोई. लो भाई जाते जाते भगा दिया गया, गेट खोलते ही अटक गया था मालूम है. वाह मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे, गौरा भांग रगड़ के भोले रे तेरे. भाई निकल ही नहीं पा रहा. अच्छा विजल न्यूज लोड हो रहा है. अतिये भूतों की टोली मेरे नाथ रे, ब्रांड तो देखो शंकर नाथ कंप्यूटर के. हाँ भाई हाँ है. वाह एप्पल ब्रांड है. फ्री का फॉर्म मिला तो आऊंगा. अरे आ जाओ यार एंजॉय करो. मराठी में चैट मत करो फ्रेंड्स. अरे नहीं आता मुझे, आता ना. आप अगर लिखोगे तो मैं थोड़ा बहुत सीखूंगा, लेकिन मुझे उस पर शायद सही तरीके से रिस्पॉन्ड ना कर पाऊँ. आप लोग लिखो, मैं थोड़ा बहुत चीज़ें समझूंगा, ऐसी बात नहीं है. लाइक मुझे नहीं आता तो मैं क्या करूँ, आप मैं वो चेंज नहीं कर सकता ना. सर्किट और पांडे सर की बातचीत हुई थी. अच्छा जैसा कि आप देख सकते हैं, वो वाला. अच्छा आज की भाई बढ़िया सोने का जगह है. ठीक है बाहर बारिश हो रहा हो, चुपचाप से आओ या लेट जाओ. दिल लेने गया था कुछ बाहर बारिश. आई गेस ऊपर है एक. हेलो रिफ्लेक थैंक यू. देखो ना लाइक मारते रहना गाइस एंड कीप द चैट एक्टिव, कीप द चैट एक्टिव. ओके कहां पे दिल की. अच्छा ये भी लॉक्ड है, सब लॉक्ड है यहाँ पे, सारी चीजें लॉक्ड है. अरे महाराज जी आप कोई पकड़ के ले तो नहीं गया, आप किडनैप तो नहीं हो गई? अच्छा अच्छा लॉक है, लॉक है. मैं सोचा आप किडनैप हो गई. वो लोग वहां पे ही इंटरव्यू लेते हैं. अच्छा ला 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 तो अच्छा विजन लोस इज अ पब्लिक पब्लिक प्लेस नाउ. आईगा बोल रहा है क्वाइटली, उसने बोला क्वाइटली. नहीं उसने बोला क्वाइटली. बोला ओके चाचा को मार दिया. हाँ बहुत गलत जगह मारा मैंने. देखा मैंने. सब प्लीज डोंट बी हार्श टू यू. नहीं नहीं भाई मैं हार्श का हो रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना था. मैं कैसे बोलूंगा, पीडीएम भी खुला नहीं है ना, ये खुल गया. मैंने बहुत प्यार से बोला हर एक चीज को, हमेशा नहीं भाई, हमेशा नहीं. जब मुझे व्यूअर्स जानेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि आई एम द मोस्ट अकोमोडेटिंग स्ट्रीमर, मोस्ट अकोमोडेटिंग, इन्फॉर्म्ड, एडुकेटेड
blasphemer. I don't say something, you know, out of the other, but I will not tolerate something when it is already been said. Okay? कोई है या नहीं शहर में? है, बहुत कम लोग हैं। अबे आस्ते आस्ते धीरे धीरे सब प्रकट होंगे अचानक अचानक से। वैसा है तो आप अपना वो करते रहिए। चलिए एक काम कीजिए, अभी आपका क्या रैंक है? मेरा कैडेट। ओके लेट्स गो एक काम करते हैं, आप एक बात बताओ, एक 10-11 परफॉर्म करना आता है आपको? हाँ वो सिखाया था। ओके चलिए समझ लिए कि मैं आगे चलिए, समझ लिए कि आप एक गाड़ी को वो कर रहे हैं, ठीक है? आगे आखिर के फुटपाथ पे पार्क कर दीजिए आप। चलिए 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 सामने मतलब मुझे उसको पुल ओवर करना है। हाँ तो मैं ही वहाँ खड़ा रहूँगा। चलिए एक रोल प्ले कर लेते हैं आपके साथ में, चिंता मत कीजिए। समझो कि यहाँ पे गाड़ी है, ठीक है? हाँ ठीक है, आपने पुल ओवर कर लिया, बस अब मैं आगे बैठा हूँ गाड़ी में। ओके पहले तो आएगा, हाँ बोलिए। अब ये गाड़ी है क्या? हाँ नहीं वो उड़ गए। अच्छा, so, अब देखना गाइस मजा आएगा। नहीं वही बताना है ना। हाँ आप बोलिए बोलिए। हाँ सो पहले तो 10-11 का सबसे पहले आप अपना हाँ वो दीजिए। ओके 816 गाइस मजा आने है, मजा आएगा। कमिंग 10-11 ऑन एसयूवी एट नियर मॉटल पार्किंग एंड नो एडिशनल नीडेड। या सो आफ्टर दैट मैं उनको मतलब जो होगा मतलब आपको ही समझो, मैं तो पहले मेरा इंट्रोड्यूस करूंगी मेरा नाम, और फिर मैं आपसे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछूंगी, नाम पूछूंगी। देखना गाइस बहुत मजा आने वाला है। ये क्या है मतलब क्या सीन हुआ कि आप इतना मतलब trp.in जाइए, वेबसाइट जाइए, वहां से आप डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रैफिक फॉर्म्स में भाग रहे हो लाइक जा रहे हो, स्टार्टिंग से बोलिएगा। आपने क्या बोला जब आप आ गए गाड़ी के सामने, क्या बोला आपने? 10-11 का कॉल दिया। वो सब उसके सामने आ गए आप, मेरी गाड़ी के सामने आ गए आप चल करके, फिर क्या बोला आपने मुझे? इंट्रोड्यूस दिया मतलब मेरा नाम मैंने उनको कैसे बोला आप थोड़े बताइए, ये सब नहीं पूरा बताइए एकदम नेक कीजिए। लाइक आई एम अ पीडी ऑफिसर मायरा। कैसे इंट्रोडक्शन दोगे आप? वही बोला ना कि लाइक मैं उनको बोलूंगी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग जेंट्स, गुड मॉर्निंग लेडीज, गुड मॉर्निंग बॉयज, गुड मॉर्निंग, और क्या इतना मतलब उसको एंटरटेन करके। एंटरटेन क्या, आपका वही होना चाहिए ना, मतलब प्लेजेंट होना चाहिए ना। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग लेडीज, मायसेल्फ मायरा फ्रॉम द एसपीडी। तक तो वो चला जाएगा सर। क्यों चला जाएगा, पागल है क्या, भांग खाया हुआ है? हाँ तो फिर लास्ट टाइम ऐसा हुआ था नाम। अरे अरे तो एक आदमी बोलने जाओ दूसरा भाग जा रहा है तो छोड़ो यार, वो तो उसका पर्सपेक्टिव है, सब थोड़ी भागते हैं। उसमें आप अपना ग्रीटिंग्स चेंज कर दोगे क्या? ग्रीट नहीं कर दोगे किसी से? क्या सीखे हो? हाँ और कहाँ से शुरुआत करो अभी? तो एक काम करो स्टार्टिंग से वही पहले ग्रीटिंग्स यस। लाइक उसको उपट हो गया। अच्छा लावा कैसे आपने बोला वैसे? हाँ वैसे हेलो हाय हाय माय नेम इज हेलो हाय हाय नहीं तो फिर ग्रीटिंग कैसे करते हैं किसी अगर शॉप में जाते हैं तो स्टार्टिंग कैसे बोलते हैं? हेलो हाय हाय तीन बार? नहीं मतलब वो सामने रहेंगे तब ना। हाँ मैं सामने हूँ। वो आपको नाइन प्लीज कम टू वेंजली को वेंजली फॉर सर ETA 5 माइक्स आउट जस्ट इन अ ट्रेनिंग सिचुएशन इज इट टू अर्जेंट? ना नेगेटिव 5 मिनट्स सर कोड 4 करके आ जाओ। ओके 5 मिनट्स सर। हां तो गुड मॉर्निंग या जो भी है बोलती हूं सर।
नहीं नहीं पहले गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जो भी है गुड राइट ओके पड़ेगा बोलो क्या यस यस ट्राई ओके हां हे गुड आफ्टरनून माय आई एम देखो गाइस मजा आएगा अभी समायरा एंड सर व्हाट इज योर नेम माय सेल्फ स्पेंसर या कैन यू प्लीज शो मी योर ड्राइविंग लाइसेंस हियर यू गो एंड ऐसी क्या सिचुएशन है कि आप ट्रैफिक तोड़ के भाग रहे हो मैडम देखिए मेरा पीले रंग का कुत्ता खो गया है और पीले रंग का कुत्ता खो गया है यस और मैं उसे सर्च करने के लिए माउंटेन्स की तरफ जा रहा हूँ डू यू हैव एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क और आई शुड आई गो नो एक्चुअली आप इतना मतलब रश में जाओगे तो वो कुत्ता भी नहीं आपको दिखेगा मैडम अगर वो किसी गाड़ी के सामने आ गया ना तो और उसका जान वन चली जाएगी सो आई एम स्केर्ड दैट्स व्हाई आई वांट टू गो फास्ट तो फो आप इतना रश में चला रहे हो तो आप ही ना चढ़ा दो उसके ऊपर गाड़ी ऐसा भी हो सकता है मैडम कहाँ रश में चलाए वो तो एक्शन से ऊपर आया मैं नहीं फिर भी आपको रूल्स का तो फॉलो करना तो पड़ेगा अच्छा ठीक है मैडम पैसे लो छोड़ो मुझको इतना ज्यादा बात करने का समय नहीं है तो फिर ऐसा ही है तो फिर आपको मतलब वो फाइन तो आपको भरना ही पड़ेगा लेकिन आपको वार्निंग भी दिया मतलब दूंगी मैं लास्ट वार्निंग अगर अगली बार से पकड़े गए तो फिर आपको अच्छा पीडी तक लेके जाऊंगी मैं नहीं मैडम पीडी से तो हम नहीं जाएंगे अभी आप डबल फाइन लेकर के मुझे वार्निंग हटा दो डबल फाइन ले लो ठीक है तो मैं आपको फाइन दे रही हूँ ठीक है वाह क्या वो बंदा बोल रहा है डबल फाइन ले रहे हो और वार्निंग हटा दो वार्निंग नहीं हटा रही हूँ मैं हाँ उनको जरूर वार्निंग दीजिएगा हाँ बोलना है कि हाँ वार्निंग सर नहीं हट सकती वार्निंग इज अ वार्निंग साइटेशन जाएगा आपके प्रोफाइल पे ठीक है बस जब मतलब बोलो करोगे और भरोगे भी नहीं मतलब ऐसे 10-11 बहुत है सर तो मैंने वार्निंग दी है छोड़ा नहीं है किसी को ओके ओके अच्छा अगर कार में अगर 3 बंदे लोग है तो क्या करोगे आप अगर 3 बंदे हैं तो मैं मतलब रेडियो पे तो कॉल दे दूंगी कि 3 बंदे लाइक 3 ऑक्यूपाइड इन अ कार एडिशनल्स के बोलोगे नहीं बोलोगे क्या वो सब भी जानना है हाँ एडिशनल्स के लिए हाँ एडिशनल तो लगेगी ओके तो एडिशनल जब आएगी वहाँ पे 3 बंदे अगर मैं अकेली हूँ तो फिर ऑब्वियसली तो मेरा ये सिर्फ इसलिए जानने का मतलब है कि लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपनी जान भी बचानी है धड़ल्ले से मत उतर जाया करो जहाँ तहाँ वो आपने उस दिन बोला था अकेले मतलब हाँ व्हेन यू आर ट्रेंड यू हैव सम वेपन्स ऑन यू राइट तो समझ में आता है समझ रहे हो उसके लिए भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए फिर उसके बाद हम लोग उनको बोलेंगे कि जब तक हम लोग गाड़ी में ना बैठे तब तक फिर लाइक हम गाड़ी में बैठेंगे ना हाँ फिर उनको बोलेंगे कि आप जा सकते हो घर फिर हम फिर से लाइट्स ऑफ एक्सेट्रा ये सब लाइक 10-11 इसको ओके बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक बार लाइफ सिचुएशन में देखना पड़ेगा क्या भी दीजिए तो आएगा Give keys करिए। But like the stream is priority of viewers, so I did it when I came here. Thank you, appreciate that, Yuri. Go ahead. दे दिएगा। Give keys. Think about give keys. Just do give keys. Think about give keys. Let's do this, guys. देखते हैं। What? नहीं हो रहा ओके थिंक अबाउट फ्लेक्स योर टी मसल चुलबुल टू एनी ऑफिसर फॉर राइड अलोंग एंड डू थिंक अबाउट फॉरवर्ड स्लैश सेंटेंस फ्रॉम माय गिव कीज दैट्स इट मुझे वो सीट पे बैठना पड़ेगा नहीं यू कैन जस्ट डू इट नॉर्मली 10-4 आई एम कमिंग या मैंने बैठना ही पड़ेगा
देयर इज नोबडी नियर टू हैंड की ऐसा दिखा रहा है. अभी आप चाबी दे दो इसे दे सकते. नहीं दिख रहा कुछ भी. कोई पेपर आईडी मत दो. शाम को कोई काम या कुछ फॉरवर्ड स्लैश गिव कीज GIVEKEYS. GIVEKEYS. आया क्या? Yes. अभी चलाओ. In front of him, then give. नहीं हो जाता है वो. वो radius based है ना script में इसीलिए. मतलब वो नहीं है क्या अभी? Yeah. If keys करोगी तो जितने भी आसपास में सब चला जाएगा. नहीं नहीं मतलब वो जो paper ID वगैरह थे पहले. नहीं जरूरत नहीं मतलब वो option है हमेशा का. नहीं जरूरत नहीं है. Okay. मैंने बोला कि सबके पास चला जाएगा. पता है मैं कुछ ना कुछ सिखाई देता हूँ. अच्छा यहाँ पे क्या सिचुएशन हुई है? ये सर जयन सुनो खाली पूरी वाले लोग चिलिंग इवनिंग कम तो बोल एक काम करते हम. सुनो सुनो स्पेंसर सर मायरा और शेरशाह तीनों एक पार्टी में पीडी वाले. मैं पांडे सर क्रिमिनल और दास होस्टेज है. ठीक है हेलो अक्षय पवार क्या चल रहा है? हां दास होस्टेज है हमारा और नेगोशिएट मैडम. हेलो एक बार मिल रही हूं मैं. हां तो इंट्रोडक्शन नहीं करा रहे शांति तुम इंट्रोडक्शन कराओ. हेलो मैडम क्या नाम है आपका? Myra. Okay, my name is Das, Patakishto Das. I am the Chief Security Officer of PD. हाथ में देख रहे हो क्लास 5 है हाथ में. प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये ऐसी नहीं है. थोड़ा वॉक और जोर से करेंगे जल्दी-जल्दी उधर से आएंगे तो समझ में आ जाएगा. हां हां डोंट वरी टू विल कैच यू लेटर. थैंक यू रिफ्लेक्ट टेक केयर मैन. चलिए एज ऑलवेज सिचुएशन. हां तो चलो गाइस मच लव यू रिफ्लेक्ट. थैंक यू शेरशाह और सब पूरा कॉल प्रॉपर नेगोशिएट वगैरह के सारे देने हैं. ठीक है वेंजेली को टेन को आ जाओ पांडे सर. चलो स्टार्ट करते हैं ना क्या क्या करना है से पांडे जी मैराज ना जब बहुत सारी चीजें फॉलो नहीं होंगी शहर के रूल्स के मुताबिक तो ये सब करके फायदा क्या है? मतलब ये सब चीजें में तो फॉलो होंगे ना क्यों नहीं होंगे पता नहीं क्या 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 नहीं होगा बोल रहा बहुत कुछ होगा. आप गाड़ी गाड़ी में बैठे जो हम लोग कर रहे हैं वो सब कुछ होगा. हाँ वो सब कुछ होगा जो हम लोग कर रहे हैं ना. अच्छा क्या नहीं होगा पता नहीं भाई. वो भी हम बताएंगे. हाँ जो पांडे सर बोलेंगे इग्नोर वो इग्नोर करना है. क्या भाई रुको रिफिल कर रही पास में जाओ. हो गया इस शहर के पीडी का लिटरली बता रहा हूँ मैं. अरे इंजन बंद है. इंजन सर पोड़े कभी है एओ मिस्टर एडवर्ड हाउ आर यू डूइंग टुडे यू शुड बी स्टीलिंग द कार यू नो यस आई स्टोल ए यार अरे ठीक से बात कर ले. ओके मर गया. Why are you still in the car? फिर सवाल पूछेंगे. What did you say?
स्टीलिंग द कार नहीं, व्हाई आर यू स्टिल इन द कार. और ये तू है ना, या तो गला बदल या तो फिर हाथ बदल. अभी आवाज आया, इरिटेट हो रहा है, खचर खचर. देखिए एक बात सुन लीजिए, ये खाते हुए आवाज करना एक बुरी चीज है. ए बाबा, बस जनावर को पीढ़ी में लिया रही. नॉम नॉम कर रहा है वहाँ ना, नॉम नॉम करके कौन खाता है. अरे भैया, इससे पहले कोई एक ऑफिस हमारे हमारे दूर के चाचा जी खाते हैं. हाँ ऐसे, मतलब उसमें भी एक वो होता है. और एक हमारे दोस्त जो माइक पे खा जाते हैं, मालूम है. और भाई क्या हाल चाल है, पीछे जाते रहता उनका है. अबे बंद कर यार, ये क्यों कर रहे हो भाई. हमारे उधर भी एक लॉयर थे, वो भी ऐसे ही मुंह में कुछ ना कुछ खाते ही रहते. क्या बोले अभी खाएंगे तो मुंह से ही ना, सबका तुम्हारे से अलग थोड़ी होता है. इंडिया जाके आ जाओ घूम के मस्त. वैसे ही आजकल बहुत हगरे हो, एक दो दिन तो जाके आओ, उस दिन तो गुजारो इंडिया. अरे वो अंदर एंजेलिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं. चलो हम गए रे एक्सोन डायरेक्ट टू कैप्टन. कैसे भूल जा, आ जाओ आ जाओ, वो टेलिंग से स्टार्ट कर रहे हैं. ये मेरा कल है, तू ही मेरा वहां, कभी तो पास मेरे आओ. Okay, I'm inside the jewelry. अरे बाहर आ जाओ स्पेंसर सर. एट बेंसर सर, कम एट क्राउन वीक. थैंक यू भवेश. तो वो बहुत बहुत स्वागत. स्टेज है और तुम चेज दे रहे हो, उधर से कॉल्स दो. ठीक है सारे शेरशाह. भवेश तो बहुत बहुत स्वागत गाइस, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का. वेलकम टू स्ट्रीम. To the left, went towards the southbound. Bound. Right. Again to the left, going towards the North Rockwood Drive. Again negative. Left, going inside of the Flame City. Flame City. Chan beto. Chan beto. करने दो यार तुम. Flame City crosser के बाहर आए. To the right. Left. चलो. To the left. Approaching the life inventor, making a U-turn, disregard. Yes, regard. again making U-turn, going towards the Boulevard Del Perro Northbound, disregard. Roaming alone, life inventor, going towards the Boulevard Del Perro Northeast bound, going towards the Mount Zona. Backside of disregard. Yeah, disregard. This is the last 10, it is converted to 90 feet situation. Additional required. There are two robbers and one hostage. Need spear unit. Ajab. पैरामीटर सेट करो मायरा जी. हाउ पैरामीटर्स लगाओ, इसे आड़ी लगाओ गाड़ी इधर से. एक तो मायरा सेट द पैरामीटर्स. दे फ्रॉम मी सर जी.
लव फ्रॉम मी सर जी मतलब देख रहे हो विकास ये मजेदार है गाइस ये मजेदार है हेलो भाई कैसे बोला तो भजन ये से हॉस्टेज को गनपॉइंट करके बचा लीजिए सर मेरा पैर तोड़ दिया ये लोगों ने आ गए आप आ गए मैं हॉस्टेज से पहले बात कर लूं पीछे पीछे बस उधर उधर ही रुको दादा फ्रैंक हो रहे हो रे दादा हॉस्टेज आपका नाम क्या है क्या बोल रहे हैं आपका नाम क्या नाम थोड़ा अंदर आ जाओ आजा मेरा नाम है दास फटाकिस्टो दास फटाकिस्टो दास फटाकिस्टो दास आपको कुछ मारा भी रहा नहीं इन लोगों ने हां मेरा पैर तोड़ दिया राइट वाला देखो मार के तोड़ दिया आई का क्या बोलूं सर खाना पानी कुछ चाहिए हां नहीं हां चाहिए हां आई ओ रोवर जिनको दो खाना पानी दो खाना पानी दे रहा हूं हां दो हां दे रहा हूं ना तुम काम करो अपना सर आपके कोडेड सिचुएशन कितने बहुत सारे हुए हैं विचर बहुत इंटेंस एक्सपीरियंस है कोडेड सिचुएशंस का रामानंद शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत कैसे हैं आप शायद अभी क्या ही गाल हूँ यार गला बैठा हुआ है क्वाइट ही बहुत स्वागत ब्रदर यहाँ पे एक हॉस्टेज जिसको चोट लगी है ज्वेलरी स्टोर के पास रोबर जी हेलो हाँ बोलो क्या नाम है आपका हमारा टिल्लू है और मुझे लगता है कि भाई गोकू भी संन्यास ले लिया और आने वाला नहीं है यहाँ कौन बात करने आ रहा है आगे हेलो किशन मेंबर नहीं सब्सक्राइबर हो वेलकम टू द स्ट्रीम किशन भाई वेलकम टू द स्ट्रीम मुझे हॉस्टल एकदम सही सलामत चाहिए इसके बदले में आपकी दो डिमांड्स अगर आपको चाहिए तो पूरी कर सकता हूँ हमको चार डिमांड चाहिए दो क्यों नहीं मिलेगी सर ओनली टू इसका एक और पैर तोड़ते हैं फिर हम नहीं सर यू कैन डू दैट तोड़ो रे यू कांट अच्छा यू कांट नहीं कर सकते इससे बोलो यू कैन डू दैट ऐसा बोल रहे हो तो हम तो तोड़ देंगे ना तुम नहीं कर सकते अच्छा, उसकी जान की हमको बहुत परवाह है हमको को सही सलाम घर पे ले जाएंगे आप उसके बदले में हम आपकी दो डिमांड्स पूरी कर सकते हैं तो फिर आपकी डिमांड्स क्या है मुझे बताइए क्या डिमांड करना है रे मोटा भाई देखो अपने वो एक बात बोल रहे हैं ये तो कितने कितने पुलिस वाले भाई आप कौन से सेटअप है गेम एकदम बटरी स्मूथ दिख रहा है आज पुलिस वाले क्या मेरा कौन सा सेटअप है नॉर्मल सेटअप है डॉक्टर लेके आओ अपने को यहां से निकल टेक्स स्पेक्स नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए वही है दूसरी डिमांड कैटरीना कैफ का पोस्टर लाके दे दो फाइनल फाइनल देखो सर आपकी जो पहली डिमांड से हेलीकॉप्टर तो आपको हेलीकॉप्टर मिल नहीं सकता उसका एक बहुत बड़ा रीजन है वैसे तो दे नहीं सकते हेलीकॉप्टर दूसरा रीजन ये है कि उधर लैंड भी नहीं होगा अभी तुमने बोला लैंड नहीं हो सकता मिल नहीं सकता डिसाइड कर ले मैंने पहले बोला कि आपको हेलीकॉप्टर मिल ही नहीं सकता और दूसरा बोला कि लैंड भी नहीं होगा मैं करवा दूं ना लैंड इसको एक काम करेंगे जहाँ लैंड होती है ना वहाँ इसको लेके जाएंगे और वहाँ से हम जाएंगे नहीं नहीं आपको हेलीकॉप्टर मिल ही नहीं सकता डिमांड नहीं सर ऐसा मत करो आपकी डिमांड पूरी कर रहे हैं ना सर हम
लेकिन अगर आप ऐसी डिमांड मारेंगे जो हम पूरी नहीं कर सकते तो फिर हम क्या हो जाए। वाह भाई देखिए मोटा भाई अच्छी कोई डिमांड मांगी है। मोटा भाई बताओ अब कुछ भी आरपी हो रहा है सच में बता रहा हूँ मैं कुछ भी हो रहा है अब यार भी मुझे हजम नहीं हो रही थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला होना चाहिए ये आप ज्वेलरी स्टोर लूट रहे इधर आपसे को लाखों रुपए मिले फिर भी आपको 1 लाख रुपए चाहिए चाहिए नहीं आपको नहीं मिल सकता आपने पहले रॉबरी की इसलिए आपको नहीं मिल सकता क्या क्यों नहीं मिला हां हम ये सारा सामान इधर छोड़ देंगे हमको 1 लाख दे दो फिर रॉबरी हुई नहीं राइट लो नहीं आपको 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे बैंक का अकाउंट नंबर बताओ क्या ज्यादा प्रैंक हो रहे हो कैश कैश नहीं गॉड विचर मेरे पास में समय नहीं है यार मेरे ऑफिस का काम इतना रहता है इसलिए मैं कोई हाइलाइट्स नहीं बना पाता और वीडियो एडिटर को बोलो तो 8-10 हज़ार रुपया 12 हज़ार रुपया मांगता है मेरे पास देने के लिए नहीं है चैनल से ठीक है बहुत अनरियलिस्टिक बातें बोलते हैं उन लोग 4 मिनट का वीडियो कट कॉपी पेस्ट करेंगे बोलेंगे कि भैया 2,500 रुपया हुआ तो इस तो बेवकूफ़ी है नहीं है व्हाई शुड आई वांट टू डू इट नाम बताए नाम हाय सर हेलो केम छो मोटा भाई सर गरबरमवा हेलो गरबरमवा थाई थाई ना भाई थाई जो आपको भागने वाली गाड़ी चाहिए ना करी सुंगर में हां तो हम एक यूनिट दे दे आपको उसमें भागो हां बस पीडी की यूनिट दे दो अजी वार छे नवरात्रि और दूसरी डिमांड की आपकी आपको कैटरीना का पोस्टर चाहिए कैटरीना के का पोस्टर ठीक है दोनों मिल जाएंगे कोई बात नहीं स्टूडियो कोई बात नहीं मेरे भाई जब आपका मन करे तब आप देखिए कोई बड़ी बात नहीं है बोलो और आपकी ये फाइनल डिमांड है ना कुछ चेंज नहीं करना इसमें ना ना पीडी की स्पीड यू थैंक यू गिफ्ट थैंक यू भाई थैंक यू बहुत मजा आएगा गाइस अगर मैं मुझे पता नहीं यार इस यहां पर मैं ना स्वॉट ला पाऊंगा ना मैं कुछ और कर पाऊंगा मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है दे आर अ डिमांड सीज कि उनको कैटरीना कैफ का एक पोस्टर चाहिए और एक स्पीड यूनिट चाहिए पीडी का and they have a class 2 weapons ek ke paas smg hai aur dusre ke paas bhi class 3 hai i think so okay tell them that for katrina kaif's photograph na okay i think i heard the news she got plastic surgery done okay and entire face has changed because of some issues and there are no goddamn posters in los santos so can't get it It happened 1 month ago. They are not aware. वो उनका जो नया वाला फोटो मतलब उन्होंने पहले प्लास्टिक सर्जरी की करीना कपूर ने उनका नया वाला फोटो नहीं मिला हाँ वही कैटरीना 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 का उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की तो उनका वो फोटो नहीं मिल रहा है अरे क्या भाई ये गाँव क्या को पूछते रहे डिमांड है मैं तुमको मैं पूछता हूँ क्या डिम चाहिए तुमको बताओ मैं तुमको दो डिमांड देता हूँ बताओ क्या चाहिए पैसा वैसा क्या चाहिए बोलो आपकी जवाब दे दो दोनों के हाथों में बेड़ी जी बेड़ी हाथों में बेड़ी में बेड़ी 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 मतलब कब बोलो सरेंडर कर दो बस पहली डिमांड पूरी हो गई मुझे आपको दोनों को सेल्स में देखना सेल्स में देखना है अच्छा ए निकाल रहे फोटो और मेरे सेल्स का फोटो में से भेज दे और कुछ हो गई दो डिमांड पूरी अरे तुम जिधर सोचता बंद होता है ना उधर से हमारी सोच शुरू होती है अच्छा क्रिमिनल नहीं बने हां फालतू कुछ भी जैसे कि तू हेलीकॉप्टर और वो दे रहा है मेरे को रुको रुको तुम्हारी ना मैं दूसरी एक कर दूं फिर से पेंसर सर इधर पेंसर सर इधर तो बोलो पेंसर सर इधर हां मैं क्या बोल रहा हूं क्या प्लास्टिक सर्जरी पुराना ये जिप का देते ना उनको 1,000 कैटरीना कैफ कहां का हीरोइन है अरे इंडिया के हीरोइन है वो यहां पे है उसका फोटो अरे 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 ये बोलता है पागल लोग कर रहे तो
बिना मतलब का भाग रहा है भाई, ऑलरेडी कम यूनिट है उसमें भाग भी रहे अच्छा मैं क्या बोलूं, अरे एक आदी वो पुराना फ्रूट दे देते ना उनका चिपका के, क्या तुम्हारा डिसीजन है भाई, मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा जो मेरा है, मैं ऐसा ही पुलिस ऑफिसर हूं, तुमको जो चिपकाना जाके चिपका दो, बोल दो जाओ बोलो ये वाला है, मैं बैठ करके थोड़ी तुम्हारे जैसा नहीं हगूंगा बैठ करके, पता नहीं क्या हग रहा है भाई बंदा, ये कुछ भी बोल रहा है। कुछ भी अरे सीखने को ऐसा सीखो समझ में आए, फन आरपी करना फन आरपी करो, भैंस की आंख उसमें डीप में कहाँ जा रहे हो, कर लूंगा जब तुमको दूसरा सर्वर ज्वाइन करना होगा, अभी मैं टीआरपी कर रहा हूँ मुझे करने दो। नो पिक्सेल इंडिया में बुला बुला के थक गए, मैं गया नहीं राइट, तो मेरा जब मन करेगा मैं कर लूंगा, सिंपल सी बात है। भाई इस सर्वर पे कॉमेडी आरपी ही चलेगी मुझे जहां तक लग रहा है, मुझे सीरियस होने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं जब सीरियस होने का फायदा नहीं है तो मैं दरवाजे पे खड़ा रहूं नहीं खड़ा रहूं यहां पे घूमूं क्या फर्क पड़ता है यार, सिंपल सी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर गोकू होता तो मैं उससे बात करता राइट, और गोकू ही बोल देता कि हाँ भाई हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं यहाँ पर, तो मैं तो फिर फायदा नहीं है, देन आई विल मेक अ डिफरेंट थिंग, देखता हूँ कुछ और करता फिर मैं। सीरियसनेस अगर सर्वर में नहीं रहेगा, सब खाली हंसते ही रहेंगे, तो भाई फिर क्या खेलोगे क्या आरपी करोगे, वही बोल रहा हूँ मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को एक ही चीज़ दिखा दिखा के, वही मैं बोल रहा हूँ। अभी पता है मैं बहुत सारे स्ट्रीमर्स के चैट में वही देख रहा हूँ, भाई मुझे बहुत आ रहा था, सब लोग आगे आप गोली मारते थे ये करते थे हेट दे रहे थे, मैंने ये कर दिया वो कर दिया राइट, वही जब दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़। ऑलराइट अभी नया है ब्रो, थोड़ा टाइम लगेगा, अरे वो तो मुझे मालूम है भाई, लेकिन फिर बाद में वही है पांडे जी मुझे बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे सीरियस आरपी नहीं चलेगी यहाँ पे सीरियस आरपी नहीं चलेगी, तो मैं किसको किसका सुनूं भाई, जब सीरियस आरपी नहीं चलेंगी और अगर सब लोग वही बोलेंगे भाई सीरियस आरपी मत करो यहाँ पे सीरियस आरपी मत, तो फिर मेरा होने का फ़ायदा क्या है, मैं वही सोच रहा हूँ। मैं हार्डकोर कॉप आरपी प्लेयर हूँ राइट, और फिर मैं मस्ती भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कॉप कैरेक्टर से आरपी नहीं कर सकता वैसे फनी वाली, वो आरपी को कहीं और लेके जा रही है, भाई फन हो रहा है उन लोग को सिखाओ, मैं बहुत सारा चीज़ कर सकता हूँ और कितना मैं सीखूंगा भाई, ज्वेलरी रॉबरी हेन तेन ये वो, नहीं नहीं मेरे को पर्सनल लेवल पे बात करनी है, यही से बात करनी पड़ेगी आपको, पहले आप अपना कांटेक्ट नंबर तो दे दीजिए, आपको मिलना है तो फिर इसके बाद पता है मुझे नहीं, अभी तो आपका नाम पता ही चल गया मेरे को,
नहीं विकास, सिम्बा से बात नहीं करूंगा मैं, सिम्बा सिम्बा से मैं बात करके क्या करूंगा भाई, सिम्बा इज अ स्टाफ राइट, सिम्बा उम्बा से मुझे बात नहीं करना है, इसलिए नहीं बात करना है बिकॉज दे आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू, इट्स नॉट माय सर्वर, आई एम जस्ट प्लेइंग ओवर हियर, आई लाइक आई एम हैविंग फन, दैट्स व्हाट इट इज, बट ऑनेस्टली लाइक यू नो पीपल हैज एक बार सोचना पड़ेगा कि तरफ लेके जा रहे हैं, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सिर्फ मैं इतना ही कह रहा हूँ, आई एम हैविंग फन राइट, क्या दिखाऊंगा व्यूअर्स को, अरेस्ट करके ला रहा हूँ, सब भाग जा रहे जेल से, ईडी का फायदा क्या है, समझ नहीं आ रहा मुझे, देखता हूँ, मस्ती तो हो रही है, मजा आ रहा है बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट इन टू दी आर आर ना, मुझे हूँ हाँ करके जो गाली गलोच हो रहा था उससे तो दूर हूँ, आई एम फन, आई एम हैप्पी, क्या हुआ चलो बैठिए निकलना है हमें, भैया रॉबरी और बैंक रॉबरी की बात नहीं है बट विचर, वो बात नहीं है, बात असल में ये है, हाँ हाँ बोलो बोलो, बात कुछ और चीज है, वेरी नाइस, बात ऐसा है कि पीपल मैं आरपी करूँगा और मुझे हर एक क्रिमिनल चोर पुलिस दिखाना है प्लस इन्वेस्टिगेशंस दिखानी है प्लस और कुछ करना है, हर एक चीज़ में आकर के हमको बोल देंगे भाई ये नहीं कर सकते, फिर मैं क्यों करूँगा ना वहाँ पर बैठ करके, फिर मेरा माइंड एफ होगा, तो पता नहीं यार मेरी आरपी बहुत रिस्ट्रिक्ट होती है इससे, ठीक है सबके लिए अच्छा सर्वर है, मुझे नो डाउट मुझे कोई मज़ा नहीं आता है इसमें, आपत्ति की बात नहीं है कि हमें मज़ा नहीं आ रहा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम रियली हैविंग फन, बहुत मज़ा आ रहा है राइट, एंड इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ठीक है स्पेंसर का एक व्यू पॉइंट है, वो चीज़ें कर रहे हैं राइट, वही है मैं हमेशा नहीं कर सकता बिकॉज इट विल नॉट लुक गुड, उसके आते आते चलो 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 तो कॉल दो, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द पोर्टा ड्राइव नॉर्थ बाउंड टेकिंग अ राइट गोइंग स्ट्रेट टुवर्ड द साउथ बुलेवार्ड डेल पेरो, मैं लेम जोक्स नहीं कर सकता वही बात, इसलिए मैं लेम जोक्स उतना नहीं करता, बढ़िया बा गिरीश बढ़िया बा, अपना बताओ वट एवर यू विल शो वी विल वॉच, अब देखते हैं शुभोदय भाई, पॉइंट क्या है कि मैं फन दिखाना चाहता हूँ, देखो आई विल टेल यू समथिंग ओके, सर्वर में अगर फन दिखाना है तो फन दिखाना है, मैं सीरियस दिखाना चाहूँगा सबको नहीं होगा राइट, यू नो कुछ हो ही नहीं सकता, उनको एंजॉय नहीं होगा कुछ नहीं होगा, सबको लगेगा भाई यहाँ पे सीरियस आर पी हो रही है, यहाँ पे रोल प्ले हो रहा है, लेकिन भाई Shiman also believes that you know इस सर्वर पे different प्रकार की होती है, different RPs होती है, सिर्फ एक प्रकार की RP नहीं होती right, सिर्फ लव RP नहीं होती यहाँ पर, different प्रकार की RP होती है ओके, अगर इतना बड़ा नाम ले रहे हो तो legends role play right, तो भाई उनका तो कम से कम एक नाम का एक अच्छा उपयोग होना चाहिए, जो respect तो मिलना चाहिए ना उस नाम को, तो फिर फन बना कर ये फायदा क्या है, फन करना है भाई, तो मैं अगर होता भाई तो मैं तो सीधा वो शिपयार्ड पे चला जाता, वहां पे फन करता, सब लोगों को आरपी करने देता, दैट्स हाउ यू शुड बी डूइंग, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बहुत मजा आता है मुझे, नहीं बोला करता बोलता भाई SMG दे दो, खुद आता हेलीकॉप्टर आता वीडियो सीरीज बनाता पूरा, बहुत मजा आता, तो भाई शुरुआत है ना गिरीश, मजा आ रहा है, मोस्ट ऑफ ऑडियंस ऑफ श्रीमान फैमिली डोंट लाइक गेम प्ले, वी आर जस्ट वॉचिंग श्रीमान एंड अदर क्रिएटर्स जस्ट बिकॉज ऑफ एंटरटेनमेंट पर्पस, दैट्स व्हाई वी लव श्रीमान एंड अदर TLR क्रिएटर्स, वही तो मुझे मालूम है राहुल, मुझे पता है यू आर नॉट वॉचिंग लाइक व्हाट एग्जैक्टली इट इज, यू आर वॉचिंग श्रीमान एंड देन यू आर वॉचिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग, सो यू डोंट केयर कि क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा है, आई नो दैट आई अंडरस्टैंड दैट, पर अल्टीमेटली वो दी अदर थिंक अबाउट इट, अब इस लाइन से भी सोचना कि जब वो स्ट्रीमर वो मेहनत करके उस चीज को कर रहा है राइट, एक ना एक दिन अगर चीजें चेंज होंगी तो उसको तो इफेक्ट करेगा ना उस स्ट्रीमर को, है ना,
तो इसीलिए एज ए स्ट्रीमर इट इज मेरे लिए बहुत जरूरी होता है कि मैं उस चीज को समझ के चलूं, है ना श्रीमान? क्या कोई भी व्यूअर होगा श्रीमान का, उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई सिद्धार्थ एक पॉइंट को बहुत क्लियर बोलता है। मेरा कैपेसिटी है, मैं 2600 रन पूरा कर रहा था, स्वाट यूनिट पर रन करवा सकता हूँ। ऐसे ऐसे कॉल्स होंगे कि बहुत प्रिसाइज होंगे, और बहुत सीरियस कॉप प्लेयर्स लोग को स्वाट में रखूंगा। हंसी मजाक वाले लोग स्वाट में होना नहीं चाहिए, उन लोग को लाइन, उन लोग को हर एक लाइन का वेरियंस मालूम होना चाहिए, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल प्रोसीजर्स मालूम होने चाहिए, तब जाकर स्वाट आती है, तब जाकर सर्वर में स्वाट का एक क्रेडिबिलिटी बनता है। कोई भी आदमी स्वाट में घुस गया और वो बोल रहा है खाली हंस रहा है तो फिर फायदा क्या है भाई? मैं वो बोल रहा हूँ, एक चीज की मर्यादा होनी चाहिए, समझ रहे हो? मतलब बहुत ही वियर्ड लगता है। अरे नो प्रथमेश, यू आर नॉट सेइंग दैट, यू शुड नॉट बी सेइंग सॉरी ब्रदर, कम ऑन। मेरा परफेक्ट आरपी कोई इशू नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी आरपी रुइन हो रही है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ मेरी आरपी रेस्ट्रिक्ट हो जा रही है, रुइन नहीं हो रही है। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं रुइन होने दूँ या ना दूँ। मुझे अगर हंसी मजाक दिखाना है तो मैं दिखाता रहूँगा, मुझे क्या आपत्ति है उसमें? एकदम एंजॉय करो, लेकिन रियलिज्म होना चाहिए। आप एक बात बताओ ना, आपको क्या लगता है घनश्याम को मैं बैठ करके उम्र क्या देने वाला था? घनश्याम को बैठ करके मैं क्या किलिंग करवाने वाला था? कुछ भी नहीं होता है ऐसा, इन्वेस्टिगेशंस होता है, ये वो होता, थोड़ा और आरपी एक्सटेंड होती, लेकिन नहीं, क्या सारे केसेस वापस, वो बोल दिए मत अरेस्ट करो, आप अरेस्ट कैसे कर सकते हो? कल पांडे जी आके बोल रहे आप अरेस्ट कैसे कर सकते हो, वो सब चालू कर दिया उन लोगों ने। मैं क्या बोलता उन वक्त उनको, क्या बोलता? एक तो वो स्ट्रीम भी नहीं कर रहे थे, राइट? तो वो थोड़ा समझ जाते उस बात को कि भाई मैं तो सिर्फ आरपी एक्सटेंड कर रहा हूँ, मैं क्या बोलता उनको? कर रहे हो, कंटिन्यू। हेलो उर्मिला, क्या हाल चाल है? वेलकम टू स्ट्रीम। स्थिति भोरीकर, योर वॉइस इज देयर, थैंक यू यार स्थिति, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, मच लव, विद रिगार्ड्स। प्रतिमेश कोहली, दैट्स द स्पिरिट। या आई एम नथिंग टू लूज, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सपैंड मोर। वो कैसे होगा? आप एक बात बताओ निखिल, जैसे आपने बोला राइट, स्वाट यूनिट आ रही है और उसके अंदर देखो, मैं किसी को टर्म नहीं देता, किसी के नाम के सामने एक टर्म नहीं देता कि भाई क्या जोकर की तरह बिहेव कर रहा है, क्या जोकर की तरह, ऐसे नहीं होता है राइट, क्योंकि उससे उस बंदे को हेट जाएगा और मैं नहीं कर सकता वो चीज को, अवॉइड करना पड़ता है वो सब चीज। लेकिन मुझे सीरियस बंदे चाहिए, मैं अगर बोलूं इस पॉइंट पे खड़े रहो उसको पॉइंट करके, तो उसको पॉइंट करके नहीं कि एक घंटा खड़ा होना पड़ेगा, वो होती है सीरियस लेवल की कॉप आरपी, स्वाट आरपी उसको बोलते हैं, डिसिप्लिन होता है। चार आदमी एक लाइन में चल रहे हैं तो चार आदमी एक लाइन में ही चलेंगे, वो कभी हिलेंगे डुलेंगे नहीं विदाउट इवन कॉल्स, समझ रहे हो? ये सारी चीजें स्वाट को बेहतर बनाती है और सर्वर का क्वालिटी और 300% और बढ़ा देती है कि भाई क्या आरपी होती है वहां पे, राइट? एक्टिविटी डूइंग रोल प्ले, राइट? सो रोल प्ले में ये सब चीजें बहुत जरूरी है। नहीं हो सकता, मेरे हाथ में नहीं है हर्ष, इट इज अ सर्वर्स एसओपी एंड आई कैन नॉट चेंज दैट, आई कैन नॉट डू इट। अगर मेरा सर्वर आया तो मैं शायद उसमें वन ऑफ द बेस्ट कॉप आरपी दिखाऊंगा आपको। अगर मेरा सर्वर आया तो उसमें मैं आपको सबसे वन ऑफ द बेस्ट कॉप आरपी दिखाऊंगा, राइट? सब लोग वहां पे नहीं आएंगे पीडी में, नीचे देखो नीचे, मुझे चाहिए ही नहीं हो सब लोग। अगर वीसीबी हो गया ना मायरा का, अगर ट्रैकर नहीं दिखता तो देन, हां वीसीबी हुआ था। रुको रुको रुको, इधर आओ इधर आओ इधर। यस राइट सेट, या दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड
नीचे आओ नीचे आओ. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू फ्यूचरिस्टा, थैंक यू, मच लव एज वेल, मच लव, मच लव. स्पेंसर सर आप भी आइए. भाई बोलो. कोई नहीं है गाड़ी में. हां बताओ शेरशाह किधर किधर मिस्टेक हुआ तुम बताओ पहले. चल फिर मैं बताता तुम्हारा मिस्टेक. हाँ. नेगोशिएशन से लेके मैं वो अंदर चला गया तुम्हारी आवाज सुनने के लिए. आवाज नहीं आ रहा था, वो एक दिक्कत हुई. लिटरली बहुत वेट हो रहा है. ये भी तो आपका ही सर्वर है ललित पाटिल. ये सर्वर मेरा है. स्टोर में विमान ने मुझे वो रिस्पेक्ट और प्यार दोनों दिया है. राइट ठीक है. अच्छा अच्छा. लेकिन आप एक बात को समझो. आवाज का जाने दो. सिर्फ फन करके ना क्या क्या मिस्टेक. नॉट गोइंग टू गिव अस एनी जॉय. करना है तो हम लोग ऑनलाइन में क्यों नहीं, GT5 ऑनलाइन में क्यों नहीं करते, क्या नहीं कर लेंगे बताओ ना. रोल प्ले, रोल प्ले ही करना है तो आप GT5 ऑनलाइन में एक सेशन बनाकर ही घुस सकते हो. उसके अंदर करो ना. स्पेंसर सर आप बताइए इसने कितने मिस्टेक्स किए. बहुत मिस्टेक्स किए, बहुत ज्यादा. इसको कुछ नहीं मालूम है. ये इसलिए नहीं मालूम बताए क्या, क्योंकि ये रीड नहीं करता. रीड नहीं किया SOP. अच्छा मिस्टेक तो बताओ ना. देखो पहला ओ भाई mistake... मेरा बोलना ही बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए. मेरा हो गया, मेरे को नहीं. सुनो सुनो इधर आओ इधर. लो मैं सच में बता रहा हूँ, SOP बहुत बड़ी बात होती है. SOP आपने पढ़ा नहीं है. वो बहुत बड़ी बात है, वो नहीं पढ़ा. राइट है. देखो पेंसर जी, देखो आप पेंसर नहीं, स्पेंसर जोन्स, जो भी है जोन्स सर, स्पेंसर जोन्स, जोन्स सर, स्पेंसर जोन्स, स्पेंसर जोन्स, स्पेंसर जोन्स. क्योंकि मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि कल मैं आपके नाम का कभी भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा. अगर आप मेरा नाम सही से लोगे तो आपका नाम भी सही से आएगा. मैं पेंसर सर बोल रहा हूँ, मेरे को राइम को थोड़ा सा पेंसर नहीं. अच्छा स्पेन स्पेन सर 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 पेंस. हाँ सुनो 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 अभी सुनो शीर्षा, मैं पहले से बता रहा ठीक है. तुमने आइटम्स पढ़े नॉन नेगोशिएबल और नेगोशिएबल कौन कौन से. यस सर. Stand by, क्या हाल चाल, वेलकम टू द स्ट्रीम. पाजी हो, वेलकम हो जे जे वधिया है जी, सत श्री अकाल जी. डिक 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 डिमांड कर रहे हेलीकॉप्टर वगैरह सब. थैंक यू निखिल पाटिल, थैंक यू. नेगोशिएबल आइटम में मतलब पीडी की मस्टैंग दे सकते हैं ना. यस ब्रो, यू आर वर्किंग हार्ड, योर वॉइस इज आल्सो वेरी डीप व्हिच इज वेरी सोफिस्टिकेटेड. जस्ट एंजॉय द फ्लो एंड गो अहेड, डेफिनेटली विल अचीव ग्रेट माइलस्टोन ऑन रोल प्ले ऑन YouTube. थैंक यू राहुल भाई फॉर राहुल भगत भाई फॉर द मैसेज. अभी चलो चलो पिछली बार तो दिया था राहुल भगत भाई. मैं थोड़ा सा दिया था. किसको दिया था? दिया था द स्टोर ओवर रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा हूं पता है. बर्गर शॉट के पास आरपी में. बर्गर शॉट पे नहीं, बर्गर शॉट के पास क्या करूं. ठीक है अपने हैं बंदे पांडे जी हैं और मैंने पांडे जी को बुलाया कि मैं टेलर पे आ रहा हूं. उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था. बोला था तुमको ये मस्टैंग आ गई. ना ही गोकू ने मुझे बुलाया, ना ही क्या बोलते हैं पांडे ने मुझे बुलाया. उन लोगों ने नहीं बुलाया मुझे, उन लोगों ने इनवाइट नहीं किया मुझे. मैं खुद से आया हूं. पहले तो एसओपी पढ़ो पूरे. दूसरी चीज समझो, दूसरी चीज के मुझे बहुत सरोवर से बुलाया गया. जब एक्सिया भी बंद हुआ मुझे सीधा बोला कि भाई नो पिक्सल इंडिया जाओ, PLTRP जाओ, तिमकाना और कुछ और सर्वर्स आए. अंदर कितने लोग हैं, मैं तो गया. अंदर और मैंने मैंने क्या वो न्यू मून भी एक बार एक दो दिन घुमा मैं. बाहर एडिशन्स है या नहीं तुम्हारे. That's what it is. You know, you should look real and you are doing great. It will take time so your voice and will get listened. Even Sriman give comment on your cop RP should be like this only. I mean, I try my best, guys. आप बोलो ना, फिर मैं क्या करूँ, मुझे भी समझ में नहीं आता. I don't know who is taking what the decision. I don't know, यार. I don't know. Reasonable cause, probation. क्या? Hello, Sam. Hi, bro. So right, yes. सर आप MNC में manager हो क्या? नहीं, मैं MNC में एक senior vice president हूँ. Miss HTRP, yes. बताओ तो दोनों का मतलब बताओ. भाई मैंने जो इंट्रोगेशन कर सकते है उसका, वो होगा रीजनेबल सस्पिशन. और प्रोबेबल कॉज मतलब हमारे पास एविडेंस के एविडेंस है, कुछ सबूत विक्टिम है हमारे पास, विटनेस है, तो उसके बेसिस पे हम उसको अरेस्ट या डिटेन करते हैं. वो बिना उसके नहीं होगा. लाइक सभी लोग करना, सभी लोग एक साथ लाइक बटन दबा दो.
तुम लोगों सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बिकॉज सिर्फ यही नहीं है आरपी, बहुत कुछ है दिखाने को। कितने दिन बचे हैं? 29 से आज 30 31 2 और 2 दिन बचे, ठीक है। लोग को ट्विच सब में फॉलो कर लेना, वहां पर भी मतलब मैंने किया हुआ है। एक सेकंड रुको, सेम नाम से एक सेकंड माइंड, एक सेकंड रेड्डी के कॉल उठा लेते हैं तब तक। आने है क्या स्पेंसर सर? हां यार इधर आना। हेलो एंड वेलकम। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ निखिल, मैं अपनी मैं कंसल्टेंट हूँ, टाइम लगता है लोग को। थैंक्स उर्मिला। पूजा क्या हाल चाल है? लाइक एंड सब्सक्राइब किया सर। अरे यार पूजा थैंक्स यार, उधर डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लो यार, थोड़ा पढ़ लिया उसको पढ़ना नहीं, तो मस्ती वस्ती करो वहाँ पर भी, एंजॉय करो, वेरीफाई कर लेना डिस्कॉर्ड पे, बार बार बोला हूँ मैं, ज्वाइन करो दो बार वेरीफाई कर दो, ठीक है, सर्वर रूल एक्सेप्ट करो, वेरीफाई करो, क्योंकि मायरा तुम रिएक्ट कर देना तो दो बार तो उसमें आपका वेरीफाइड मेंबर्स का रोल मिल जाएगा, फिर जनरल चैट पे एंजॉय करना। थैंक यू सैम भाई फॉर 69 रुपीस के सुपर चैट के लिए। अब कहना है सत श्री अकाल जी, चक दे फट्टे नत गिल्ली। जुर्म वैसे किया है मतलब लाइक उसको जेल तक जाने तक की नौबत आ सकती है, इसीलिए पीछे के गेट से लेके जाते हैं, क्योंकि सर वो एक मतलब मुजरिम है। सर आप ये सर्वर छोड़ के मत जाओ ना, कि उन्होंने किसी हर्ष में सर्वर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, और हमारे पास बैठने से मुझे वो आरपी बहुत लिमिटेड लग रही है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड लग रही है मुझे। देखो पता नहीं, आई डोंट नो इफ आई नीड टू बी इन पीडी, मैं कुछ और बिजनेस में सोच लूंगा। 4 तारीख को गोकू सर आने वाले हैं, पता नहीं शायद मेरे मुझे उतनी वाचिंग में ना आया उसमें, इट्स ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मेरा तीसरी बार एग्जाम हुआ गोकू सर ने, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है यार, सोचो मैं उसमें अगर फेल होता कुछ भी करने जाता हूं दस्ट मुझे कमांड मिलता है, इधर करो ये करो करो, मुझे पसंद नहीं आ रहा वो चीज, क्या नहीं लग रहा मुझे अच्छा। स्ट्राइक डिमोशन होता ना, डिमोशन तो नहीं होता क्योंकि मेरे को पता है जब भी मेरे को ये रैंक दिया गोकू सर ने, टेस्ट लिया मेरा तीसरी बार, टफ हो रहा है ना इसीलिए मैं क्या करूं। पढ़ो एसओपी पढ़ो समझो उसको, और जो एक दो चेंजेस जैसे कि डिटेन देखो ना उन्होंने कुछ बोला है, मॉडरेटर ने सुन लो मेरे भाई, तो थोड़ा छोटा करो, इतना बड़ा बड़ा करोगे तो सबके सबके मैसेज चले जाते हैं ना, करने वाले सभी लोग। देखो देखो आपको ने कुछ लिखा, गॉड विचर ने लिखा, हर्ष ने लिखा, सैम ने लिखा, पूजा ने लिखा, सबके मैसेजेस चले जाते हैं, तो उधर थोड़ा सा हेल्प कर दो भाई, कंट्रोल मसल फ्लेक्स करके नीचे लेटाने वाला करने वाले, वो थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो जाएगी, वो बाद में पढ़ लो, अभी एसओपी पूरे पढ़ो। मायरा तुमने तो बिल्कुल नहीं पढ़े होगे जहां तक मेरे को पता है, है ना शोंटी सर। मैं तुमको एक ऑनेस्टली बात पूछता, तुम्हारे हिसाब से बताओ मैंने अभी तो कितना इसमें पढ़ा होगा? चलो कुछ नहीं पढ़ा तुमने, एक बार उड़ू करके पढ़ा है बस, कुछ समझा नहीं है तुमको एसओपी में से। पापा फैमिली ज्वाइन कर लो, ये बोलता है ना कि विदाउट शुड ज्वाइन पापा फैमिली इन आरपी। नहीं यार क्या उनको ज्वाइन करूंगा मैं, वो मुझे नहीं करना ना कि सिवान के नाम पे बैठ के खाली उछलता कूदता रहूं, मुझे नहीं करना वो काम, नहीं हो पाएगा। सपोर्ट अलग बात होती है, उनके साथ घूम करना अलग बात, मुझे बहुत टफ लगता है वो चीज करना, आज तक नहीं किया मैंने और जीवन में कभी करूंगा भी नहीं, इसीलिए। सर कोई सेकंड कैरेक्टर का आरपी करने का प्लान है? अभी फिलहाल नहीं, अभी एक ही नहीं चालू हुआ है, लोग कंफ्यूज कर देते हैं 10,000 कैरेक्टर ला करके, समझ रहे हो? आरपी के अंदर भी इतने सारे कैरेक्टर लगाने की जरूरत ही क्या है, पहले एक कैरेक्टर लगाओ उसको बढ़िया दिखाओ, उस पे एक मिड पॉइंट लेकर के आओ, और उसके बाद नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करो तो लोगों को फ्रेशनेस मिलती है, जब आप दोनों कैरेक्टर प्रोग्रेस करोगे दोनों इंटरेस्टिंग बना रहेगा। गैंग आरपी नहीं चाहिए मुझे, बहुत गली गलौज नहीं करना मुझे, यहाँ पे गैंग आरपी मत बोलो। मेरा एक बात बताओ, अभी तुमको एक चीज पूछता है, 1070A का मतलब क्या होता है? यू जस्ट नॉर्मल सिटीजन आरपी लाइक बिजनेस आरपी, गैंग आरपी, मेक अ पावरफुल गैंग, डेफिनेटली यू विल मेक अ गुड कंटेंट। 78 भाई मैं अगर गैंग करूंगा तो मैं ऐसे थोड़ी ये बात करूंगा जाकर कि हां भैया आओ, उसको मां की बहन की गाली दे रहे हैं, गाली तो सर्वर में चली गई नहीं, लेकिन जो जिस तरीके से मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना भाई, भगवान करे
आरपी बैंड हो जाए इंडिया में, लिटरली मैं बता रहा हूँ, जिससे कि लोगों को फिल्थ और गाली गलौज करने का मौका ही नहीं मिले। एक गाली दे बस अकाउंट बैन खत्म। कितना परचेस करेगा GTA 5 अकाउंट? तुम खुद कंफ्यूज हो लियो के तो फिर तुम कैसे सिविलियंस के? तो मतलब है ही नहीं, इसलिए तो लोग नहीं आ रहे वैसे जिनको आना है। बोल दो सर, समझ नहीं रहे हो? अभी देखो जैसे हम बोलते हैं जिनको आना रहता है वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनको फिल्थ बोल करके अपना वॉचिंग लेना है और गाली देना है, इसलिए तो नहीं घुस रहे हैं। तो तुमको अगर ये वही लोग घुस रहे हैं जिनको क्लीन आरपी करना है, और इसलिए आप देखोगे कि मिक्सचर भी बहुत अच्छा है, लेडीज भी हैं, राइट, जो वुमेन एम्पावरमेंट है कि उन लोग भी आके अपना स्ट्रीम कर रही हैं, यहाँ पे जेंट्स लोग भी हैं, सभी लोग मैनेज कर रहे हैं, एवरीवन इज डूइंग दैट। उनको गाली गलौज नहीं करना यार, दे जस्ट वांट टू हैव अ चिल आरपी। अभी तुम पूछोगे इसीलिए, अभी कल शेरशाह को मैंने देखा है भाई, बहुत बड़े बड़े टेनोर प्लेयर्स को देखा है, क्या फिल्थ बकते हैं भाई उन लोग। इसलिए मैं बोलना ही बंद कर दिया। या तो 6 किलोमीटर चलता रहेगा, 6 किलोमीटर है कि भाई इसके पीछे पीछे भागो, राइट, या तो बेमतलब की बातें, कोई मतलब ही नहीं है उसका। पूछोगे जब भी तो जानोगे, या तो कुछ भी हो। कोड 5 तो पहले नहीं होता है ना, GTA 5 रेसेस खेलना होता है सैम, तो फिर आरपी की जरूरत ही नहीं था ना, अपना कर सकते हैं। तो जो चीज एसओपी में नहीं है, रियली गुड गुजबम्स देता है। जैसे हो वैसे रहो, आप अपने जगह सही हो, जो एक ऑफिसर को होना चाहिए। नहीं प्रीतम, लेकिन सर्वर के तरीके से चेंज होना पड़ता है ना, मैं किसी को वो करके लाऊंगा, उनको लगेगा कि मेरा स्ट्रीम में मेरे बंदे लोग बोल रहे हैं, वॉचिंग बोल रही है कि भैया मुझे छोड़ देना चाहिए, बाहर जाओ माइनिंग करो, और फिर वो मुझे बोलेंगे कि भैया ऐसे आरपी मत करो, मेरा आरपी खराब होता है, तो बेवकूफी है ना यार, तब मैं क्या बोलूंगा? बोलो कि मुझे वॉचिंग जा रही है बिकॉज मैं पकड़ा गया और फिर ऐसा, ये तो बेवकूफी है ना यार, क्या क्या ऑर्गेनिक क्या ऑथेंटिक में क्या बात करूंगा? मेन बता रहा अभी, मैं बहुत ही रियल बंदा हूँ गाइस, बहुत रियल बंदा हूँ। आप मेरी पुरानी एसटीआरपी की पूरी आरपी देख लो, आपको एक क्षण में नहीं मिलेगा जहाँ पर मैंने सीरियस आरपी नहीं की। तुमको हॉस्टेज सिचुएशन इसीलिए करवा रहे थे क्योंकि हॉस्टेज सिचुएशन आना स्टार्ट हो गई है, अगर वो सिचुएशन में तुम लड़खड़ा गए तो हॉस्टेज का जान जा सकता है उधर। और तुम इंग्लिश मत बोलो, यू कैन डू दिस, हम डू कर देंगे फिर उधर। अगर रोबर को एक बार बोला यू कैन डू दिस, ये तो मुझे पता है कि मैं तुम कैन ऐसा इतना स्पीड में, मैं अगर टीएलआरपी में बोलूंगा तो चेंजेस आएंगे, बट मुझे ऐसा नहीं करना ना। गॉड बचर जी, आपको क्या लगता है जब सर्वर स्टार्टिंग हो रहा था तब उनको नहीं पता था ये सब चीज होने वाला है? क्यों बना के रखेंगे हम ऐसे कि भाई ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इनको पकड़ नहीं सकते, उनको पकड़ नहीं सकते, ऐसे नहीं बात कर सकते, ऐसे नहीं बात कर सकते। उनको परफेक्ट आते तो वो इंग्लिश में दे रहे, पांडे सर हिंदी में देते कॉल्स। मैं इसलिए बात नहीं करना था, वो चीज चेंज नहीं करूंगा क्योंकि लोगों को चीज खराब लगेगा और मैं नहीं करना चाहता। लोगों को चेंजेस बुरा लगता है, क्लियर होने चाहिए, ये बात सबको पता है, इसलिए मैं नहीं बोलता। ठीक थे, अभी और इम्प्रूवमेंट चाहिए। साउथ बाउंड बाउंस बोलना तुम बीच बीच में भूल जा रहे थे, वो तो आ जाएगा। तुम अगर एक दो महीना और ड्यूटी करोगे तो हो जाएगा कॉल्स, वो चीज। हाँ, GTA 6 ना आएगा, आएगा एक दिन में आएगा। थैंक यू रुमला। मायरा तुमको भी कॉल्स का बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ मायरा, एक बार लेके एक बार आ जाओ मायरा जी, तुम लो कॉल्स लो, उसका कॉल्स ही पहले लो। कौन सा टेलीग्राम है? तुम चलो 80 का कॉल्स। नहीं रैंक नहीं चाहिए मुझे, हाँ मुझे तो, मैं तो करेट बनना चाहता हूँ। मायरा जी चाबी दो। नहीं क्यों, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एकदम करेट वाला वो कर लूँ, एक दूसरा करेक्टर लेकर के आऊँ, करेट कर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है। नहीं नहीं प्रथमेश को लिए ऐसे बात नहीं है, मैं बहुत अच्छे सर्वर को ज्वाइन किया हूँ। अच्छा एक बात बताओ प्रथमेश, प्रथमेश गुड पॉइंट बोला आपने, रॉन्ग सर्वर ना, कौन सा लोकेशन है? व्हिच इज द राइट सर्वर, टेल मी। नहीं आ रहे क्या ऊपर? व्हिच इज द राइट सर्वर, टेल मी ब्रदर। रुको रुको इधर दिक्कत है। रमेश कोहली सिटी साइड आ जाओ, बताओ भाई पहले नो ऑफ ड्रिवन। व्हिच इज द राइट सर्वर? हां सूरज देसाई, कम फॉलोअर्स है बहुत, 5-6 फॉलोअर्स हैं। 816 परफॉर्मिंग 80 ऑन ब्लैक एक्सप्लोरर कार एट नियर राहुल भगत राम नहीं श्रीमान। सिंस 4 साल आई पर्सनली ऑब्जर्व्ड दैट श्रीमान छोड़ के बाकी लोग को GTA आरपी सीन नहीं है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा देखने मिल। इट्स ओके, कोई बात नहीं राहुल, लेकर के आएंगे तो सब लोगों को सपोर्ट करना पड़ता है, वही हाल है। तो हेलो
निखिल पाटिल आपके कहना है यार फर्स्ट लांस श्रीमान थिंक्स यू आर बॉस ऑफ ऑल आरपी पुलिस मतलब वो नॉर्थ होगा ना हां नॉर्थ बॉम जान लगा देता हूं गाइस सॉरी रोल प्ले में मजाक नहीं है मेरे लिए और मैं कुछ बोल नहीं पा रही अगर मुझे नो पिक्सल मेन में खेलना पड़ा ना हाँ नो पिक्सल मेन में बोलोगे तो मैं कुछ बोलूंगा लेकिन प्रथमेश कोहली सीरियस अच्छा सीरियस कॉपर में नो पिक्सल मेन बोलोगे मैं खेल लूंगा नो पिक्सल मेन में भी कोहरा मचा सकता हूँ राइट एंड दे विल रियली लाइक इट ओके बट अपार्ट फ्रॉम देयर वाह वाह गेम एरर रिबूट एंड रीस्टार्ट द गेम ये देखो देख रहा वापस से स्टार्ट करता हूँ मैं थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग जितेंद्र पाटिल थैंक यू सर मस्त आरपी करते हो थैंक यू भैया अरे झूठ क्या बोला 500 फॉलोअर मैंने तो वही बोला कि लाइक यू नो कम फॉलोअर्स है मेरे मैं वही कह रहा हूँ प्रथमेश इट्स नॉट अबाउट दैट यू नो आई कैन प्ले इंटरनेशनल सर्विस मेरे भाई मुझे कोई इशू नहीं है बट द पॉइंट इज कि एंड आई कैन सस्टेन माई सेल्फ एज वेल जब मैं डिसाइड करूँगा भाई मुझे नो पिक्सल मेन खेलना है और महीने के 2000 रुपये मुझे लगेंगे तो 2000 रुपये लगेंगे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है आई विल पे फॉर दैट राइट आई अर्न लेकिन जब मैं गेमिंग करता हूँ तो ये मेरे लिए सेपरेट दुनिया है राइट तो मैं इसमें मेरा जितना भी छोटा मोटा इनकम होता है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है उसको मैं बहुत सोच समझ के खर्चा करता हूँ आप लोगों से जो भी मुझे सपोर्ट आता है मेंबरशिप आता है वो मैं इसी वापस गेम में ही डालता हूँ राइट ठीक है ना दैट इज हाउ आई हैव मेड इट सर आप एडवोकेट आरपी कर सकते हो सिटी में कर सकता हूँ लेकिन द पॉइंट इज दैट पीपल विल नॉट लाइक इट देयर आर रीजंस बिहाइंड दैट कि मैं बहुत सारी आरपी नहीं कर रहा हूँ संकेत प्लस ऑफिसर जिमी पार्कर को जानते हो क्या सब जानता हूँ भाई सबको जानता हूँ मैं सारे प्लेयर्स को जानता हूँ तो GD5 आरपी खेलते हैं और कौन फिल्थ बकता है कौन नहीं बकता वो भी मुझे पता है एब्सोल्यूट गार्बेज कौन है वो भी मुझे मालूम है एब्सोल्यूट गार्बेज जो है वो भी मुझे पता है मैं कुछ बोलता हूँ वो बात अलग है मैं जब हैदराबाद में था तो मैं मनाता था उसे कोलकाता है वो देखते हैं होगा तो मनाएंगे उसको भी क्या इश्यूज हाँ गिर जा फोड़ ले माथा अपना मराठी विक्या को जानते हो मराठी विक्या क्या भाई मुझे मराठी नहीं आती तो मैं जानूंगा कैसे मैंने शायद उनके साथ अभी खेला नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं भाई इट इज द ऑनेस्ट आंसर मोटा भाई अक्का क्रीस मालिक को कितना गाली देता है अब सोच लो भाई भाई गाली देता है क्या करता है वो मेरा लुकआउट नहीं है उसकी पर्सनल जबान है वो कुछ भी कर सकता है दैट्स हिम राइट मेरे किसी का गाली सुनने के लिए नहीं आता वेरी सिंपल राइट मैंने सर्वर के रूल्स निभाए हैं गाली सुनने के बावजूद भी मैंने सर्वर के रूल्स निभाए हैं यू नो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में मैं चाहता था अच्छी अच्छी बैंड बजाता था क्या बंदिल की हाँ क्यों भाग रहे हो एक्चुअली वहां से रन करके मैं पीडी आ रहा था इसीलिए अरे संकेत असच घेटला 12,000 नहीं उधर उत्खत प्याला आप पता नहीं क्या बोल दिया आप हाँ वो तो बैन है वो तो मुझे मालूम है बैन है गाली दो के बैन है भाई मैं भी रखता बोलता कि भाई आपको फिल्थ पकना है तो आप गाली मत दो राइट यू नो डोंट प्ले वेरी सिंपल
अगर मेरा सर्वर आया गाइस तो मैं तो लिटरली बता रहा हूँ इट विल बी गुड, मजा आएगा। उसमें मैं सीएस कॉप आरपी करके दिखाऊंगा पूरा हर एक चीज को, हर एक चीज, हर एक चीज मीन्स हर एक चीज। Going towards to pillbox, the northbound. Yes, in it. मैं आऊँगा आपके आरपी में। It's okay. ललित यस उनको पता नहीं वो अच्छा है, वही अच्छा है। हाँ। इसका मतलब आप नहीं जानते। ऐसा। अच्छा स्पेंसर सर को लेके आओ, पेट्रोलिंग करो। हाँ वही तो पेट्रोलिंग करता हूँ मैं। आई एम एट 19 लीजन पे आओ। 20 सर लीजन पे आओ आप। 10 अरबी में लोग बातों को पर्सनली ले लेते हैं। देयर मस्ट बी अ लाइन बिटवीन की पर्सनल लाइफ। इस केस में द पॉइंट इज दैट वैसे बनाया भी गया ना इनिशियली जब रोल प्ले आया था सर्वर के अंदर में तो वहाँ पर बहुत सारे रूल्स को बेंड करके अपने मुताबिक बनाया गया इंडिया के लिए। उसमें कुछ बच्चे लोगों के हाथ में अकाउंट्स लग गए, उन लोगों को बढ़ा चढ़ा करके बॉन्ड दिखा दिया गया है ना कि भाई आप लोग तो तोप लोग हो, गाली देकर कैसे से बात कर रहे। हाँ यही मज़ेदार चीज़ है मसाला। और फिर उसके बाद उस बात क्या हुआ कि फिर उस बंदे को वॉचिंग आने लगी, उन्होंने उसको वॉचिंग दिया तो सर। हाँ भाई बोलो। अब तो हमारे साथ इधर कैसे आ गए? वो मेरा कोड जीरो हो गया था मेरे भाई, भाई फोड़ दो गाड़ी। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि लोगों को यू नो बढ़ोतरी मिले इस सब चीज पे, तो लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया उसका। तो पॉइंट इज दैट कि इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट पीपल रियलाइज गाली देने से गैंग आरपी नहीं होती है, और दो लोगों को हाथ ऊपर करने से गैंग आरपी नहीं होती है। इट इज बुलशिट राइट। गैंग का लीडर इतना ज्यादा बात नहीं करता, गैंग का लीडर दो बार बात करता है राइट। जैसे कुछ बड़ा डिसीजन होने वाला हो उसके बीच इंग्लिश मिक्स हो जाएगा तो उसके बीच में कुछ एक बात बोलना राइट, कि सामने वाली पार्टी को मालूम पड़े कि हाँ भाई ये बहुत बड़े चीज होने वाला है, और फाइनली उस डिसीजन को करके खत्म कर देना, दैट्स इट। तब जा करके आपको ये एक गैंग आरपी नजर आती है कि भाई ये गैंग का लीडर ने ऐसा काम किया। तो वो लेवल मतलब वो 500-1000 की 2000 की वॉचिंग के आसपास का, मतलब सिर्फ वो सीन जो है वो 2000 की वॉचिंग मिनिमम डिजर्व करता है, बिकॉज गैंग लीडर बोल रहा है राइट। यहाँ आए दिन भैया सभी लोग लगे हुए हैं, क्या बोलूं पुराने से, मतलब मैं जो देखता आ रहा हूँ पुराने से देखता आ रहा हूँ तो देखो। और फिल्थ बातें, खाली सिंपिंग वाली बातें, और ये और फनाना टिमकाना और पता नहीं क्या क्या आरपी दिखाते हो, क्या करते हो देख करके बस बोलता भाई बस यही रह गया है। अब उनके पास भी कंटेंट नहीं बचा ना, क्या कितना क्या काम करेंगे लोग, भी फ्रस्ट्रेट हो गए कि भाई हम लोगों ने सब यूज कर लिया। सिंपिंग बातें हो गई, बॉडी कमेंटिंग हो गया, बॉडी शेमिंग हो गया, फिर किसी को गाली देना हो गया, किसी एक स्पेसिफिक रूल को लेकर के मजाक बनाना हो गया, किसी एक तरह के एडकमेंट के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल करके हो गया। ये सारा चीज मैंने सुन लिया, सब कुछ सुन लिया गाइस, बहुत एक्सपीरियंस है। इट्स ऑल पैथेटिक भाई, फुल पैथेटिक। लेफ्ट गया, लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट, अंदर घुस गया वापस, इधर है वापस से देख लेफ्ट जा। हाँ वापस नहीं है, नहीं वो ऐसे ही घूमते रहते हैं हम लोग। देखो बहुत जल्दी वीसी भी हो रहे तुम्हारे। हाँ भाई आप शहर के अंदर में रोज गाड़ी चलाते हो, हम थोड़ी चलाते हैं, है ना भैया, आंसर है ना। ये राइड गया था। मेरे में लोग बातों को पर्सनली लेते हैं। हाँ भाई भाई बोलो। Guys, don't forget to like, share and subscribe. Show your love and support. Thank you, Urmila. Thank you for your love as well. Thank you for your support. इसलिए mostly RP toxic हो जाती है एक time पे। और क्या भाई वो
मेरे जो भी बातें मैंने बोली अभी, आप लोग अगर थोड़ा सा उस पर ध्यान दो तो आप लोग खुद बोलोगे ये सारी चीजें हुई हैं एक्चुअली। सिद्धार्थ भाई आप सही कह रहे हो, ये सारी चीजें हुई हैं, आप खुद बोलोगे इस बात को। मैं और शायद आपको एग्जांपल, हाँ मेरे पास एक एग्जांपल है ऐसा हुआ है, आप ये बोलोगे मुझे उसका नाम नहीं चाहिए, ऐसा हुआ है ऐसा मेरे पास एग्जांपल है, ये बोल सकते हो आप। मेरा इंस्टा आईडी एक्सक्लेमेशन मार्क इंस्टा निखिल, वो मिल जाएगा आपको, उर्मिला दे दी है नीचे। तो कॉल किसका दे रही? वो तो सर जो अच्छी आरपी करते हैं उनको व्यूअर्स नहीं आते और लोगों की अच्छी आरपी नहीं पसंद आती, तो बात है भाई। आप एक बात बताओ, क्या देखना पसंद करेंगे आरपी के अंदर में? बैंक पे उस बंदे को चलाने के, नहीं नहीं मैं को चलाना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी बात को समझना। आप बार बार ठोक रहे हो गाड़ी। मैं एक बात को देखना, ठीक है? ठीक है ना, सॉरी। मैं एक बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आप क्या देखना चाहोगे, फिर वो यूट्यूब के ऊपर आ करके। ये गाड़ी तुमसे फास्ट भी नहीं है, तुम्हारी इससे बेटर है। अरे सर गाड़ी ज्यादा अभी नहीं होगा, अभी बता रहा हूँ गाइस, बहुत चिल्लाचिल्ली हो रहा है, एक मिनट जाना बता रहा हूँ मैं एक बार। पेंसर सर वीसीबी कितनी देर में हो रहा है, विद इन अ मिनट? हां वो रहा जा रहा है, वो प्रॉब्ली अवेयरनेस नहीं है सिटी मैप्स का, इसीलिए। हां आ जाओ ले आओ। तो मैं जो कह रहा था गाइस कि देखो ऐसी ऐसी बातें हैं कि जब आदमी आरपी करने आ रहा है और वो आरपी कर रहा है और वो चाह रहा है कि वो आरपी करे, गाली वाली ना दे, कुछ ना बोले, राइट? तो उसमें अल्टीमेटली क्या हो रहा है, राइट? अल्टीमेटली क्या हो रहा है आप सोचो, अल्टीमेटली ये हो रहा है कि सबसे पहली चीज वो बंदा कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा नहीं अपने सर्वर पे, मतलब यूट्यूब पे, स्ट्रीम पे। स्ट्रीम जो है वो किड्स के लिए नहीं है, राइट? उसने भी वो भी वो करके देखा, नो दिस इज नॉट फॉर किड्स, तो उसकी व्यूअरशिप ऑलरेडी भी कम हो रही है, और प्लस इट्स नॉट फॉर किड्स, ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, राइट? हर जगह से मार खाता है वो, ना वॉचिंग ना व्यूइंग ना कुछ ना क्या, दैट इज हाउ इट इज भाई। क्या है, सबको मेरे बीच में आना है। लाइट्स बंद करो, लाइट्स बंद करो और चलाओ गाड़ी। एक काम करो, शेरशाह स्पेंसर सर को चलाने दो गाड़ी। ये सिविलियन मेरे बीच में आ रहे सर। हाँ सिविलियन, वो सिविलियन आके ठोक रहे मुझे। रेडी? हाँ ट्राई करता हूँ, चलो। सर रोज इतनी देर तक रहता है, ये देखो ऐसा हो रहा है। हाँ तो वो ब्रेक चेक करवा रहा है ना, उसका काम ही ब्रेक चेक करना है। वो गाड़ी देखता है लेफ्ट, अचानक से लेफ्ट राइट घूम जाता है बस। गलियां देखना, गलियां देखना, ठीक है? take a right near a mound zone, take a left again towards the Dorset. Take a left again towards left like Punat. Isko kya bolte hai under? Rockwood. Wo left gaya. Left towards left ke andar sandwiches again, take a left. Ki top speed kya hai crown wick ki? Pata nahi, bolo nahi malum sir. 80 tak to ja rahi hai na? Bola sir hum log speed mein nahi chalate sir gaadi, itna bol chalane rahe sir. Isliye nahi chala rahe ki chipak raha hai. Tumhara chipak raha hai, ab bol do ki isliye nahi chala rahe ki chipakta hai, aisa bol do sir. Bol है, देखो अभी उनको बोलो उनकी गाड़ी चिपक रही है, उनको बोल दो उनकी गाड़ी चिपक रही है, ठीक है? मेरे इसमें तो सही है, सच बोलो तो। Going towards, take a right, heavy radio. Send it. चिपक रहा है आपका? मेरा? नहीं तो. चलते रहे, चलते रहे, कोई बात नहीं। बोला ना ऐसे नहीं होता भाई, वो किसी और के लिए वजह से चिपकता है, समझ रहे हो? दास बैठे हो इसलिए।
ना इसको भरेंगे फिर अपनी डिक्की में भर देंगे क्या है उसको बोरी में डाल के डाल देंगे अंदर में एक राइट टू द स्टैंड ऑफ इट इज बाय अ कारसर कारसर वे टेक अ लेफ्ट अगेन टुवर्ड्स द रॉक फुट छोटी छोटी गलियां हैं यहां पे अभी जंप करेगा ले बेटा जा खत्म खत्म to the dorset take a left again towards castle take a right jab abhi city hall hai na to aisa bol sakti hai roaming around city hall going towards the life inventor aisa bol take a right towards the yahan pe miss ho sakta hai yahan chipakta hai ha mera main board mein take a right again towards take the left रेप्ट क्या होता है राइट था सॉरी हाँ राइट रोमिंग अराउंड सिटी लेफ्ट अगेन साउथ साउथ बुलवार्ड टेक अ लेफ्ट टुवर्ड्स द कैसल वे गोइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स कैसल वे इज बाउंड टेक अ लेफ्ट लेफ्ट अंदर घुसाओ वापस लेफ्ट लेगा पता नहीं लिया उसने लेफ्ट राइट गया राइट गया राइट गया राइट गया वो दिख गया नाइस नाइस कहाँ वीसीबी हुआ था इधर वीसीबी हुआ था अरे इसने इन्होंने बाद में बोला वही है लाइक अभी देखते हैं दोनों ही चाहिए मैच्योरिटी दोनों और ऑडियंस वही है आपकी आपकी आवाज बहुत अच्छी है सर अरे थैंक यू यार कल्याणी हम थैंक यू अप्रिशिएट दैट यार सब लोग अपना प्यार दो सब्सक्राइब करो डिस्कॉर्ड चैनल पर आओ डिस्कॉर्ड पर रहो थोड़ा जब स्ट्रीम कर रहा हूँ तो वॉचिंग करने आओ बस यही चाहिए यार धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे ना अच्छा बैलेंस चाहिए अपने व्यूअर्स का भी है ना प्यार दोगे तभी तो होगा ना सभी लोग एक बार हार्ट्स डालना प्लीज एक बार हार्ट डालना सर तुम्हारा वीक है ना ये बहुत हार्ड प्लेस है इधर फास्ट टर्न लिया तो विजुअल रखना मुश्किल है वो इजी जरा रास्ते पे लेके जाओ ना तो नाम लेने में भी इजी होगा 10-4-10 जगह के नाम लो ना सीधा तो डॉर्सेट ड्राइव है सीधा सिंपल बोलो ना डॉर्सेट ड्राइव नहीं नहीं लो मायरा राम अहेर प्रवीण मुले हर्षद अग्रवाल ऋषिकेश अजमेर सत्तू सौरभ रामानंद सागर जी बोथ गेमिंग बहुत मजा आया ललित पाटिल पीयूष पटेल राम अहेर राहुल भगत कल्याणी एम सर जब आप स्ट्रीम नहीं कर रहे तब सब्सक्राइब किया तो नेम नहीं आता स्क्रीन पे नहीं उस वक्त नहीं आता उस वक्त सिर्फ नहीं आता बट आपको नाम चाहिए था क्या उसमें पता नहीं रुपए डेस्कटॉप बोलो ना देखो मैम लाइक दिखता हूँ मैम एक मिनट ना आप गाड़ी बंद फ्यूचरिस्टा गॉड विचर रियो जॉकी हो क्या नहीं है शुभम पटेल सॉरी 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 नवनंद शर्मा हेलो है अब अभ्रजीत रॉय मेंटेन डिस्टेंस ऐसे पीट मत करो और मिला आ रही देर Take a left to the north Rockport Drive. दो साल हो गया. Again towards. Take a left again towards the Morningwood. Left लो, जल्दी जाओ. वापस से left लेगा वो.
लेफ्ट लिया है, लेफ्ट लिया है, लेफ्ट लिया है, चलो 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 चलो, वो सीधा जा रहा है, स्ट्रेट जाओ, स्ट्रेट जाओ, स्ट्रेट चलो, राइट गया उसने, राइट वापस से लेगा वो आगे जाके, बोलो वीसीपी अभी हुआ और क्या। गाड़ी इतना धीरे क्यों हो रही? इधर आ जाओ पार्किंग में गोल्फ क्लब। वो किधर है? यही पे पीछे। ये भगवान जब सेट, थैंक यू अनमोल। सुनो तुम्हारे लिए शेरशाह इजी रोड ले रहा, अगर उधर भी वीसीबी हो गया तो जीजी। दो साल हो गए यार, दो साल हो गए आरपी करते करते ऑलमोस्ट, इसलिए चाहता हूँ कि थोड़ा प्यार सपोर्ट ऐसा मिले कि मजा आ जाए, राइट? ठीक है ना, लेकिन क्या ही बोलूं मैं। ठीक है, प्यार हो गया है तो फिर प्यार करो मुझसे बोथ गेमिंग। अब मेहनत किया है तभी तो प्यार पाया तुम्हारा, है कि नहीं गाइस, है कि नहीं, पहले बताओ। राइट, अगर इतना किया है तो कम से कम इतना तो सपोर्ट मिलना चाहिए ना मुझे, है ना। टेक अ लेफ्ट टुवर्ड्स द लीजन, है कि नहीं गाइस, इसलिए मैं बोल रहा हूं गाइस। टेक अ राइट थोड़ा सा साउथ बाउंड लीजन। लव यू टू, उम्मीद करते हैं, लव यू टू, लव यू टू, लव यू मोर। सर मेरा नाम सर्वेश है, सर्वेश बोलो। ओके अब देखो, अब एक बात बताओ गाइस, मैं तो चाहता हूं ना सर्वेश बोलूं, लिखा क्या है? सी सम सुहा, हेलो 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 हेलो, मेरे लाइक ही नहीं लगता। सी भी सर लाइक ही जीरो, पीछे ही खड़ा है वो। ये देखो मैंने वही बोला ना, इधर ही है वो, है का VCB? We found sir. We found, not VCB. मैंने बोला इधर ही देखा, मैंने देखा। काम करो मेरी किडनी ले लो, ठीक है भाई राम महिर। घुसते हुए देखा था, VCB नहीं हुआ है, घुसते हुए देखा था, फ्रैंक मत हो। चैनल है क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, करिए करिए मेहनत, करते रहिए भाई। जॉब के बाद गाइस मुझे यही मिलता है करने को, सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड हाँ, चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए वो जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक कीजिए, एंड यू गाइस कैन एक्चुअली प्ले स्पॉन्सर गेम्स विद मी एज वेल। मैंने एक ही मेंबरशिप रखी है 159 रुपीस की, जो कि प्रतिदिन 5.5 रुपए के हिसाब से रहती है, सो इट विल रियली हेल्प। अरे मुझे ना एक्चुअली अभी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा रास्ता। आईटी का काम करता हूँ। कितना आवर का जॉब होता है आपका? 10:30 से 11 घंटे अप्रोक्सीमेटली, और फिर स्ट्रीम। जगह के नाम बोल दो ना, जगह के नाम बोल दो ना। जॉब की कितनी सैलरी है? 200 रुपए। Take a right to the Strawberry Avenue. Take a right again towards. Take a left. U-turn. Take a left towards. 200 rupees. The yeah. Roaming around. I think per day, huh? The Strawberry Avenue. Idhar. पीडी के पास गया हूँ भाई, मेरे को गारंटी है इसका। हाँ वही समझ लो, मेरे को नहीं खेलना, मेरा हो गया वीसीबी आज का। थैंक यू समझुआ, मच लव। वीसीबी वीसीबी हो गया सर। पता है हमको। डिस्कॉर्ड सबने ज्वाइन किया मेरा? मैंने तो देखा नहीं किसी को एक्टिव मेरे डिस्कॉर्ड पे। हाँ बहुत कम लोग हैं, क्यों ढूंढ रहे हो हम? गाड़ी बहुत ठोक रही है सर, गाड़ी बहुत ठोक रही है। मैं ठोक रहा हूँ, ठोक नहीं रही, ठोक रहा है वो। पीड़ी आओ, पीड़ी आओ, अपर पार्किंग। खेलता था बहुत पहले, बैन हो गया ना बीजेपी में।
बस मेरा जिन ही नहीं है आज का। कदम दानिया नेश्वर बहुत बहुत स्वागत। सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। अभी बताओ शेर तेरे को मोटिवेशन भी क्या दूं मैं। देर ना थोड़ा कई कल का दिन देख आज का दिन है यार इज्जत ही नहीं। सर मुझे पिल बॉक्स जाना पड़ेगा। क्यों? टू बी वेरी फ्रैंक। क्या हुआ ब्लीडिंग हो रहा है? ये लगा मतलब बहुत कम बाकी है। आई पैक लगाओ ना। तुम इससे बात करो। आई पैक लगाओ ना। बताओ किसके लिए? आंटी चाबी दे इनको लेके जाता हूं मैं। अरे ना ना जरूरत नहीं है। सबसे गंदी जैसी मेरी आज की है। आज की नहीं रोज का तेरा वीसी भी हो रहा कल भी हो रहा था आज भी नहीं। दो ना मेरे को सर। नहीं कल नहीं हुआ। किसी के दो तो दास इसको दो। क्या चाहिए? बैंडेज आई फेक। हां कल हुआ कल हुआ। वरना रुको रुको मैं देता इधर आओ। नहीं नहीं आई फेक नहीं दे दो। अंदर है क्या? दे रहा हूं मैं खुद के लिए लेके आता हूं। फोन मत बोलो रे चला जा चला जा। बताओ अभी तुमको मोटिवेशन क्या दिया जाए शेर से? मैं वैसे भी डरशी दिन नहीं था मेरे को। उस थर्सरी नहीं क्या थर्सरी? एक फिर एक काम करते तुमको करेंगे सुबोधी भाई करता हूँ मैं डिफरेंट गेम। कौन सा गेम खेले बोलो? Kalindeep Singh, thank you for the 20. Gagandeep Singh appreciated 20 rupees through super chat. Thank you so much. Thank you. Yash Bilas, thank you for the 10. Thank you, thank you, thank you. आपने 10 रुपीज के आई थिंक यूपीआई आया है। बहुत बहुत थैंक यू। क्या होते रहता है भाई। तुम्हारा पहले से ही चैनल नेम यही है या डिफरेंट था? विराज यही है हर्ष सिद्धार्थ। जी स्टूडियो थैंक यू ब्रदर फॉर काम 25 करने के लिए। काम 25 कर दिया इन्होंने। इनको प्यार दिखाओ जी स्टूडियो को। थैंक यू ब्रदर फॉर योर 10 रुपीज के यूपीआई के लिए। थोड़ी मोर देख सकते हैं मजा आएगा। फेस कैम नहीं है ना? फेस कैम 100 की पे होगा। 100 की हो जाता तो मैं कर दूंगा फेस कैम। तब चैनल थोड़ा स्टेबल में चलेगा है ना? वही मैं बोल रहा हूं। माथा फोड़ लूं आई डोंट नो अभ्रजित। सर्वर स्टार्ट हो रहा है। सर्वर बंद हुआ सबके लिए इसलिए मेरा डिस्कॉर्ड सब लोग ज्वाइन कर लो। सभी लोग सब लोग ज्वाइन कर लो। चलो डिस्कॉर्ड उनका डिस्कॉर्ड टाइप करना था प्लीज। थैंक यू बॉट गेमिंग फॉर
20 rupees. Thank you. Sarvesh, thank you. नहीं विनोद, कोई प्लान नहीं है नोबिक्सेल इंडिया का. Both gaming appreciated 20 rupees through super chat. Thank you for your appreciation. Thank you. मुरमुरा खा रहा हूं मैं. बंगाल में मुड़ते हैं मुड़ी मुड़ी. सस्ता सुबिस्ता टिकाऊ, पेट भर जाता है इससे. जो सब फनी आरपी करेंगे, जो ब्रश कर रहा है उसका सब देखेंगे. इन ए डिफरेंट टाइप आरपी टू, लाइक सीरियस आरपी दैट यू टू. हाँ वही तो. थैंक यू यार यश गुप्ता, अच्छा बात बोला आपने. नहीं मराठी तो नहीं आती, कोई सिखा देगा तो ठीक है, सिखा देगी तो ठीक है, दोनों भी चलेगा. बिजली जी है ना अपनी, इन आरपी का वो सीन है. हाँ मुड़ी खाची मुड़ी. अरे मुड़ी बोले, अरे मुड़ी बोले. अच्छा तब स्टार्ट हो रहा है. लेट्स वेट गाइस, लेट्स वेट. दो दिन में सीख जाऊंगा. वाह दो दिन में सीख जाओ, तीन दिन में बड़े बन जाओ, चार दिन में फ्रेंड्स बनाओ, पांच दिन में गर्लफ्रेंड्स बहुत सारे हो जाओ, छठे दिन में घूमने जाओ, आठ दिन में आएगा. ऐसा थोड़ी होता है, टाइम लगता है. Yesterday I saw your RP on Sriman channel, and from there I came to your channel and saw your full perspective, and now watching you live. Glad that you do RP. Yeah, thanks man. Thank you Yash Gupta. Thanks for realizing. Thanks to Sriman. Thank you. Thank you. Marathi easy nahi hai. Okay? टाइम लगता है. कुछ भी बहुत दो साल. सब पागल बना रहे हमको मिल करके. थैंक यू नीरज फॉर द सब. थैंक यू कार्तिक फॉर द सब. क्या हो रहा है. क्या चमक क्या रहा है, नाम देख रहे हो. सब्सक्राइब मारो. क्या हुआ सर्वर का 25 है क्या. सब हालत खराब है, सेमी तो है, चल ही नहीं रहा अभी. अरे सर्वर वार्म अप हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, रुक जाओ थोड़ा टाइम दे दो. 12 घंटे का जॉब करने के बाद 3-4 घंटे का स्ट्रीम, भाई आपको फुल इजर बहुत करना पड़ता है भाई, बहुत मुश्किल है. यही रीजन है. आरपी
पान राकस कौन है, कुछ बोलना चाहोगे? मुझे नहीं पता भाई ये क्या वर्ड है। वेबसाइट से अंदर जाओ, किया मैंने, क्लिक किया। मुझे को मराठी में मला बोलते हैं। अच्छा मला, टेंशन, बहुत टेंशन, खूब टेंशन, मला खूब टेंशन, मला खूब टेंशन, मला टेंशन, क्या बोलूं मैं, समझ नहीं आ रहा। हेलो विपिन पटेल यार, हेलो ओम सतपुते। श्रीमान भाई का रियल नेम सिद्धार्थ है, सिद्धांत है कि सिद्धार्थ है? सिद्धांत है ना वो, सिद्धांत या सिद्धार्थ है वो, सिद्धांत है शायद। सिद्धार्थ है, सिद्धांत नहीं, रियली उनका नाम भी, उनका नाम सिद्धार्थ है सच में? तभी मैं सोचूं यार स्ट्रगल करने वाले लोग का नाम सिद्धार्थ क्यों होता है, क्यों होता है? देख लो आप, सिद्धार्थ नाम के लोग कितना स्ट्रगल करते हैं देख लो। अपनी अलग ही पहचान होती है उनकी। कोई मिला? क्या मैं सही बोल रहा हूं? डू यू थिंक सो एज वेल मॉडरेटर? सिद्धार्थ डज नॉट मीन गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ डज नॉट मीन गौतम बुद्ध, दैट्स अ वेरी बिग थिंग, दैट्स इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। और बुद्धिज्म में जो लोग बुद्धिज्म जो लोग समझते हैं रिलीजन को, सिद्धार्थ का मतलब गौतम बुद्ध नहीं होता गाइस। वो लोग मुझसे इस बात से अग्री भी करेंगे, जो लोग बुद्धिज्म जानते हैं मस्त है। आपके स्ट्रगल को फुल इज्जत, थैंक यू। हाँ क्वाहे बोलते हैं यार, उर्मिला सही है ना? हाँ है, तुम ही मुस्कुरा लो यार, रियल मॉडरेटर। हाँ हमारे एक और मॉडरेटर है जिसकी आजकल इतना बिजी आते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, टाइम ही नहीं मिल रहा उनको। आजकल वर्कलोड भी ज़्यादा है ना गाइस, टाइम, काम, ये वर्क प्रेशर, ये प्रेशर, वो प्रेशर। इट मे बी अच्छा क्या मेरे चैट करते तो नहीं, नहीं मैंने बोला ना हेलो ब्रदर चैट मीस। हाँ बोलो ना, क्या लिखा आपने? सिद्धार्थ है उनका नाम। अच्छा सिद्धार्थ है उनका नाम, तो अच्छी बात है यार। मैंने तो वही बोला कि भाई सिद्धार्थ नाम के लड़के लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। कुछ नाम हो जाए, कौन कौन सा सिद्धार्थ है नाम हो जाए। हाँ हाँ विपिन पटेल बोलो, वेलकम वेलकम टू स्ट्रीम ब्रदर। और तो है सिद्धार्थ यादव, वाह। नितिन क्रिएशन थैंक यू सो मच फॉर योर सब्सक्रिप्शन मैन, थैंक यू फॉर द सब। नाम हो जाए कुछ, इतने सारे सिद्धार्थ है सच लो। हाँ भाई
ओके और यस अरिहंत कान्नवर वेलकम टू स्ट्रीम। नहीं जा सकता मैं उधर, मेरा डिस्कॉर्ड लैग करता है इसलिए नहीं जाता मैं। अभी जाना जरूरी है? ठीक है उर्मिला, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, टेक केयर, कोई इशू नहीं है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अब मैं आ जाना ललित, क्या हो गया पूजा? सिद्धार्थ यादव फेमस मराठी एक्टर है? ये क्या सीन है भाई? ओम ठीक है भाई, ठीक है भाई, सबने मस्ती कर लिया मेरा। पंसद तुम्हारा चिग्गी ले लिया सब, चिग्गी मतलब भाई मस्ती मस्ती, हाँ मतलब भाई जो भी केस हो उसका रिजल्ट्स थोड़ा जल्दी लाओ, या फिर जो केसेस में इन्वॉल्व है उनको अपडेट करो पीडी बुला के, बिकॉज गैप लंबा हो जाता है। पॉइंट इज दैट कि लोगों ने अपडेट ही नहीं किया उस, समझ रहे हो? मैं बोलता भी हूँ तो लोग समझ नहीं रहे हैं, मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो बहुत कुछ करूँगा, मेरे हाथ में पीडी ही नहीं है, वो तो बात की बात है। श्रीमान को सिद्धार्थ यादव कर मस्ती लेते हैं, अरे समझ गए भाई विपिन पटेल, मैं समझ गया भाई, कितनी बार बोलोगे एक ही बात को, इसको बोलते हैं अटेंशन सीक करना, कितने बार मत बोलो, वैल्यू नहीं रहती बातों की। या हाँ पूजा बोलो। ओ भाई ओ भाई, श्रीमान्स रियल नेम इज सिद्धांत, वन ड्यूड टेलिंग रॉन्ग, रियल नेम सिद्धांत है। कपड़ों में कैसे आ रहे हो तुम? हाँ क्योंकि श्रीमान आया नहीं करना बंगार है, बंगार में चो बंगारे ले ले बंगार ने प्लास्टिक वाला बॉयस, यूसी वाला ने प्लास्टिक वाला बॉयस। नीचे आया क्या कोई? आजा ब्रीफिंग रूम आजा। कोकोन डिंग 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 डिंग। हाँ तो सुनिए 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 गाइस, लिसन, अभी पीडीएम कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में लोगों के पास आ जाएगी। देना पूजा नमस्कार, कैसे हो यार हमारे हमारे मित्र? लोग वो ही गाड़ी घुमाएंगे, अभी जैसे लोग ये कैसन बात शॉटगर्ल चोरी कर रहे भगा रहे पीडी के साथ, उसके कुछ दिनों ए शॉटगर्ल पीडीएम की कार्स भगा कैसन बा, शीर्षा से चीज नहीं हो रहा, उसका प्रैक्टिस करो गाड़ी चला, हमारे संग खेले बा, और कॉम्स पिछली यार क्या हो जाएगा, मस्ती कर रहा हूं बहुत रिलैक्स मोड में, टाइम ऐसी ऐसी जगह पे जाओ जिधर
पहले ही बोलो पता ना हो ना हमारे संग खेले के बाद गेम तुमको क्या उसका नाम पढ़ते रहो तो तुमको आईडिया आएगा कि कौन सी जगह है कौन कौन से एंगल से गाड़ी टर्न लेके वो सस्पेक्ट पे वो जा सकता है यस सर तो वो सब चीजें करो और एसओपी को पूर्ण पढ़ो समझो उसको समझो यस सर पढ़ना अकेला मीन नहीं है तुमको समझना है पूरा एसओपी समझो पढ़ लिया पढ़ तो सिविलियन भी सकते हो अभी आरपी खेल रहा हूं और फिर और भी कुछ गेम खेल सकता हूं ऑफस्ट्रीम बोलो ऑफस्ट्रीम खेल सकता हूं ऑनस्ट्रीम बोलो ऑनस्ट्रीम खेल सकता हूं पर उसका यूज कैसे करना है वो एक ऑफिसर को ही पता होता है अभी रिसेंटली द फॉरेस्ट कंप्लीट हुआ तो उसको समझो पढ़ो नेगोशिएशन की हर एक छोटी सी छोटी चीज एसओपी में मेंशन है और का अगर अकॉर्डिंग टू एसओपी डटगल तो बोलो खेलना है मेरे साथ तो बोलो मतलब आई मीन अकॉर्डिंग टू एसओपी वर्क करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको मैंने पढ़ा हुआ है सब और समझ लिया तुमको पढ़ना है समझना है परफॉर्मेंस भी दिखाना है ताकि लगे पांडे सर वाले टेस्ट में अगर तुम पास नहीं हुए तो फिर गोकू सर आके लेंगे गोकू सर आके लेंगे तो तुमको पता है कैसा टेस्ट होता है खेलना बताओ ना वो करते हैं ना हम सब बेच ए है तुम सब जितने भी अभी ऑफिसर से ना पीडी के कौन सिम बे बेच ए है ठीक है तो अटगल का हमारा बहुत पुराना रिश्ता है ठीक है तो फॉर्म भी नहीं भरना समझ गए हम इनको सिम्प नहीं करते समझ गए ही नोस मी ओके इफ यू डोंट नो देन डोंट नो वो लोग अभी समझो तुम लोगों को हमको एक्सपेक्ट था कि तुम लोग जल्दी सीख के अच्छे रैंक पे पहुंचोगे राइट अभी इतने सारे पीडी के फॉर्म है इतने सारे लोग नहीं 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 पहले बता दो इनको पहले बताओ हम लोग डब्बा समझो डब्बा खोल करके अभी मार देंगे समझे जितने भी लोग स्पेंसर सर हो गए रॉकी हो गया पहले बताओ तुम लोग जितने स्टूडेंट कैडेट्स हो नहीं यार मेरी बहन नहीं हो मटा खराब है क्या तो अच्छा तुम्हारे अंदर चुल मच रही है ना और स्पेंसर का और शॉटगन कैसे जानते हैं मतलब क्या करते हैं इन लोग आपस में यही ना चुल है उनको सुन लोगे ना उनके मुंह से गिड़ी हो जाए। हाँ तो अभी समझो कि आगे हाँ। तो स्टूडेंट आए तुम इधर ही हो वो लोग ने तुमसे फास्ट सीखा तुमसे ज्यादा प्रमोशन उसका हो रहा है तो फिर तुम कुछ बोल नहीं पाओ तो एक मंथ हो गया है और तुम्हारा पोपटलाल में तुम्हारी नहीं सबकी बात कर रहा पोपटलाल मायरा बिजली किसी के भी बेसिक्स तक क्लियर नहीं बेसिक चीजें छोटी सी छोटी चीज जो तुमको पता होनी चाहिए जैसे उस दिन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये जो कर रहे थे अपना क्या बोलते हैं आंदोलन वो वाला जो क्वेश्चन तुमको पूछा उसमें तुम कितना गोल 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 सिंपल आंसर था जबकि उसका एक लाइन देखा कैसे निकला तो गांव के लोग हैं भाई गांव के लोग समझ नहीं आ रहा तो समझा मलिक को अभी तो तुम्हारे बहुत अच्छे अच्छे सीनियर्स हैं जो प्यार से समझाएंगे स्पेंसर सर रॉकी इसका मत बोल भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है शॉर्ट गर्ल बहुत मस्ती से समझाएंगे तुमको हाँ। जो भी पूछो दोस्त है दोस्त को दोस्ती रहने दो भाभी और दकाओ मत बनाओ समझा और जो नहीं समझ आ रहा हो पूछा करो और कुछ नहीं बस एसओपी पढ़ो बाकी कोई विषय नहीं है अभी जाते स्पेंसर सर आप पीस को लेके जाइए मैं दास को दोस्त को हर एक दोस्त को भाभी बना देगा और दूसरे लड़की लोग को चांस ही नहीं देगा कोई अरे और भी लड़की लोग हैं है ना उसको थोड़ी हमको भाभी बनाना है प्रैक्टिस भी वो करवा सकते हैं अच्छे उनका इंग्लिश में तुमको इंग्लिश में लेना है तो हां हिंदी में लेना हिंदी में लो हिंदी में लो हां ना ये हां वो हिंदी में और क्या अभी देखो नहीं हिंदी में लेने को कोई दिक्कत नहीं लेकिन हिंदी के चल लड़की आई प्यार से बात करती भाभी है का हां हमको चेयर पे बैठा नहीं जा रहा है स्पेंसर बताऊंगा तो इंग्लिश में ही कंटिन्यू हो जाता फिर आगे अगर हिंदी हां साले साहब तुम्हारी भाभी ये है तो मिक्स ही होता है मेरे से नाम इंग्लिश नाम ब्रो यू आर द फ्लैग बियरर ऑफ सीरियस आरपी ऑन द सर थैंक यू मैन यश थैंक यू अभी शॉन्टी बोलेंगे और हिंदी में ट्राई एज मच अरे बाबा वो नहीं बोल रहा मैं आई एम डूइंग एवरीथिंग आई कैन रोड के नाम वगैरह तो और क्या अरे तो रोड के नाम हिंदी में बोलो कि इंग्लिश में राम नाम ही रहेंगे अरे आ जाना डिस्कॉर्ड पे शॉर्ट गेम सरदार पटेल भवन रोड ही अपन लोग थोड़ा बात कर लेंगे हम अडल्ट लोग बात कर लेंगे अपना बच्चे लोग को समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है अरे हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स किया तो चलेगा क्या रोड के नाम जो है ना वो इंग्लिश में नाम हिंदी इंग्लिश नाम ही रहेगा वो
अच्छा जी बताओ पहले तुम हिंदी बोलो कि घर वर जाना हुआ कि बस वही खाली शिफ्टिंग ही चल रहा है। प्रैक्टिस करो फॉर्म्स का कैसा एक दो मन तुम कॉन्स्टेंटली दोगे ना और घूमते जाओ ऊपर देखते जाओ। बहुत हंसाई आ रही है ना आपको पढ़ते जाओ क्या वो नाम तुम्हारे आ जाएंगे। चलो मैं जाता हूँ डॉक्टर। ओके ओम सतगुरु थैंक यू। अगर रॉकफुट प्लाजा पे वीसीबी हो उन्होंने राइट टर्न लेके आए हम उधर ही अक्षर पवार हेलो तो वापस से विजुअल आ गए ठीक है। वीसीबी एस मिशन मार्क इंस्टा ऊपर में गया देखो विजुअल लॉस कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकन लॉस्ट कहाँ है वीसीबी में अगर लॉस्ट कहाँ है एल कहाँ है अच्छा वीसीबी का फुल फॉर्म है एक सेकंड एसओपी बोला ना ये अरे वीसीबी बोला मैं एसओपी का फुल फॉर्म बोलो तुम गई थी दुनिया के लिए पासपोर्ट बनाना था अच्छा बोला रुको बोला अब तो पक्का जैसी स्ट्रीम बंद हो पहले आ जाना थोड़ा बात कर ले तुमसे तुम पासपोर्ट वाला सीन एसपी का बोलो तुम साइलेंट स्टेट पुलिस पर नहीं हो जाएगा बहुत एलएसपीडी लॉस एंजेलिस पुलिस डिपार्टमेंट उसकी कौन सी ब्रांच एमआरपीडी उसका फुल फॉर्म नहीं पता सर। ओह मिशन रो मिशन क्या मिशन रो मिशन रो पुलिस डिपार्टमेंट रो का फुल फॉर्म पता है नहीं वो जाने दो ना आगे ना राइट ऑफ वे ओके ऐसा कर वैसे ये सब बेसिक चीज अरे शेरशाह ये तो गोकू सर अगर ये सवाल तुमको नहीं आता तो गोकू सर तो क्या क्या बोलते हैं अभी पता है तुम जिस ब्रांच में तुम काम कर रहे हो के पर पूजा उसी का स्कैम कब आएगा पूजा मेरा 100 के करवा दो फुल फॉर्म से कुछ होता है पूजा सुनो ना मेरा 100 के करवा दो मैं तुम अपना खूबसूरत चेहरा दिखा दूंगा अभी तुमको बहुत सारे फुल फॉर्म जो तुम्हारे काम के नहीं है वो तुमको पूछ भी नहीं रहे आई एम नॉट अ बैड लुकिंग आई एम गुड लुकिंग ओके फुल फॉर्म पूछ नहीं रहे एस आर यू 100 के आप मेरा करवा दो तुमको पूछ ही नहीं रहे मैं तुम्हें अपना चेहरा पक्का दिखा दूंगा पर जिधर तुम काम कर रहे हो उसका तो फुल फॉर्म तुमको पता होना चाहिए ना मजाक नहीं कर रहा हूं बेसिक चीजें कितने एस आर यू क्या होता है स्टेट रेस यूनिट वापस तो बहुत सारी चीजें हैं जो आगे तुमको आएगी सही है कि नहीं पहले बताओ अकेला डिप्टी ग्राइंड मत करो सैलरी कलेक्ट करने के लिए नहीं कहते ना अर्जुन नहीं पूजा देखो तुम 100 के पे फेस कर मेरा चेहरा देख लो अरे तो मैं सीख भी तो रहा हूं मेरे को जो नहीं आता मैं लकी देख रहे हो कितना कितना लकी हो गए उसको भी मैं पूछता रहता हूं मैं डिजर्व करती हूं उस बंदे का चेहरा देखने का मेरे को मैं नहीं बोलता कि भाई 100 क्यों हुए हैं मेरे को नहीं आता कुछ कुछ चीजें हैं जो मेरे को भी नहीं आती रहेगी पर जो नहीं आता उसको एक्सेप्ट करो अब लग जाओ काम 56-25 करने का बोलो कि बस मैंने मैं सही तो बोला बस थोड़ा अलग बोला टेंशन ना लो चश्मा नहीं लगेगा काफी गुड लुकिंग हूं मैं पांडे सर मैंने तो सही बोला गुड लुकिंग थोड़ा अलग बोला सोबर फेस है भड़काऊ फेस नहीं है काफी अच्छा है वेरी नाइस प्रेजेंट पर्सनालिटी चलो स्पेंसर सर चलो स्पेंसर दिस इज काम 25 हां जो भाई रोड के नाम पूछ लो रोड के नाम तुमको ना जम होवा क्योंकि तुम्हारे कॉल्स पे बहुत कुछ डिपेंड होता है अभी मान लो कोई सोलो एक गाड़ी कोई व्हीकल में सोलो ऑफिसर है वो तुम्हारे कॉल्स को सुन के ही आएगा वो मैप पे मार्क करने नहीं बैठेगा कि किधर किधर ट्रैकर मूव अरे तो डांसर ही दिखाओ तो आप तुम ऐसे उंगली डांस ऐसे उंगली डांस देखो भाई ये बड़ा पुराना नाता है मेरा अरे भाई बहुत तुमने पंचलाइन किया साल यही है जो यही अरे ये निकालो लो बड़ी गाड़ी इसी में चलते हैं अरे चार लोग कैसे जाएं
चार लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग पेट्रोल नहीं करेंगे, हम लोग 37 है थोड़ा 5-10 मिनट के लिए। अच्छा अच्छा आप 37 बस ये ना पूजा शॉटगन ले बताओ। अच्छा ये बताओ शॉटगन कि पासपोर्ट कहीं पर भी डिलीवरी हो रहा है गांव में भी हो रहा है? चलो रेडी चलो आपको भाई सुनकर किसी भी लड़की का काम 25 हो जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं है केतन, तो जिसके अंदर दिल होगा उसका हो जाएगा, समझ रहे हो? ऐसा बोलो उसका जो फाइन है वो 2x कर लेंगे अपन, और ऊपर डॉक्यूमेंट भी दिया है फॉर्म टाइप का, वो फॉर्म वगैरह सब फिल करके लॉयर के थ्रू बेल मिले। गाँव में हुआ बहुत जल्दी पता नहीं, वो तो अभी हम पे थोड़ी वो, समझ रहे हो? जिस जो लॉयर है वो आएगा तब होगा ना बात है यार। और दूसरी चीज फेलोनी क्राइम्स जो है वो नॉट बेलेबल क्राइम्स है, नॉट बेलेबल, उसमें बेल नहीं मिलेगा उसमें। मैं क्या कह रहा हूं उसमें सजा होगी। देख सोचा 16 को अप्लाई हुआ सजा इसको डिलीवर हो गया। वाह अगर स्पीडी सामने वाले को डिमांड करता है तो नहीं, नॉट नेगोशिएबल, पीडी की एक भी आइटम नेगोशिएबल नहीं है। ये तो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रहा है मेरा आपका शॉटगन, चलो ठीक है कुछ करते हैं इसको क्या बोलते हैं पासपोर्ट लेकर के कुछ करते हैं गाइस। अब कंट्रोवर्सी भी तो करना है ना, बना हुआ है, है कि नहीं? और जो कमांडिंग ऑफिसर है परमिशन देते हैं वो सिचुएशन पे डिपेंड है वो चीज। बहुत सही कर दिया, और क्या भाई और क्या, उसमें बहुत कुछ कर सकते हो। पीडी की गाड़ी दे रहे हो ट्रैकर फिट करके दो, डिलीवरी का ही तो लफड़ा था, डिलीवरी है। मुझे अपना पासपोर्ट भी थोड़ा सा रीइश्यू करवाना पड़ेगा, मैंने हैदराबाद से मूव करके कोलकाता आया हूं ना तो चेंज होगा। फिर पासपोर्ट ऑफिस जाओ चेंज करवाओ। बताओ शेरशाह क्या आर यू रेडी, पहले ये बताओ, मैं कुछ पूछ रहा था आपसे। आप 100 के लाइक करवाओगे, मतलब 100 के मतलब सब्सक्राइबर्स करवाओगी? आई विल शो यू माय फेस फॉर श्योर। बोलो चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं और इनक्रेडिबल कर देते हैं इसको, थोड़ा एक्साइटिंग कर देते हैं। मेरे को लग रहा है दास ले ले, पहले बोलोगा इफ यू आर रेडी देन। दास बन जाएगा ऑफिसर लग रहा है, 53 ईयर ओल्ड है ना। हां और क्या, नहीं हो जाएगा ना 60 तक रहता है, बन सकता हूं लेकिन वही कहना शॉटगन बहुत मजेदार चीज है। ऑनलाइन आने से पहले पहले आप रेडी बोलो, कोशिश नहीं सिक्योरिटी का चीफ हो ना, बोलो चीफ तो हो ना, चीफ को इस खूबसूरत की आवाज के पीछे का चेहरा भी तो देखना है ना आपको, है ना? तो कोई ना तू मेरे डिपार्टमेंट पे आ जाना, तेरे को लेगा उसके लिए आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, जद्दोजहद जिसको बोलते हैं, जद्दोजहद अलग अलग मिलेगा, पता नहीं आगे जो आने वाला है। पहले भी बहुत लोग ट्राई किए हैं कि नहीं, है कि नहीं? हाँ पूजा करो भाई, मेरे को स्टेट ट्रूपर बनने की इच्छा लगी है पता। गर्व है तो आई पॉइंट ऐसा है, आई पॉइंट ऐसा है कि अगर आगे कुछ होना है तो, हाँ भाई अगर आगे कुछ होना है तो भाई तब तो करना ही पड़ेगा। पूजा देखो यू विल बिकम द पर्सन कि भाई मैंने फेस रिवील कर दिया, ठीक है? तो दास दा लाइव जाने से पहले बेटी किधर है, फेस रिवील करके जाऊंगा। बोलो और बोलो और बोलो फोन इनकी बेटी सोया। ओह दास दादा आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमें बताइए। नहीं नहीं एक बात बताओ दास भाई, गोद लिया है पहले बोल रहा हूं, जोला से जमाना देके झकल कर गया सका के गया। क्या बोलू अभी समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या होता है? मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार कॉम्स ट्राई करो क्या बोलते, अरे बातें कैसे हो? ऐसे मेरे को पता है आता नहीं है। चाय पी लो यार, चाय पिया कि नहीं सब लोगों ने? अभी समझते जाओ, जिधर जिधर जा रहे बोलते जाओ। अरे दासदा जो है आपकी बेटी है क्या? यस। अच्छा तभी मैं सोचा हूँ कौन था यार डीजन पे ससुर जी चिल्ला रहा था क्या? दरारे आ चुका है
कौन 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 चिल्लाया स्पेंसर सर ससुर जी जरा बताओ हमको भाई लेकिन वो सिर्फ वाटर फाउंटेन के पास में था आई एम सॉरी ओहो मैंने भी जगह था ससुर लगता जी लगता है बहनता वो बहुत करता है धोए जी से पूजा तुम्हारा लुकआउट है वो कौन है वो स्पेंसर सर आपने वो लड़का दिखेगा वो धोए जी के साथ यहां पे किसी को मेहनत भी नहीं करना इतना डरा दे आप सॉल्यूशन दो सोचो चाइना बन चुका है ये क्या है ब्रो मतलब उसमें क्या है रे छेड़छाड़ दोस्त भी तो हो सकता मुझे शॉपिंग करनी है हां नेगेटिव और फिर मैं क्या लूं वो भी मैं ही बताऊं चिपक के नहीं चलता है कि किसने बोला है ऐसा मैं बोल रहा हूं खच्ची हां भाई वही तो चाह मैं हूं खच्ची अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते सबका अच्छा अच्छा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने पास रखिए कृपया करके दया के बारे में हमको आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने में कोई रुचि नहीं है मुझे तो सही अरे देखो यार शॉर्गल इतना इतना दिन से मुझे जानती हो तुम चलो मैं शुरू करता हूं यार मेरे लिए कोई इतना डेडिकेटेड क्यों नहीं है यार परफॉर्मिंग है एचसी इज गोइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स द रूट 68 ईस्ट बाउंड अरे जांदे जांदे जालेले जाला जेगा स्टिल गोइंग द स्ट्रेट टेकिंग अ राइट फ्रॉम द रूट 68 इट्स गोइंग टुवर्ड्स द सिटी ईस्ट बाउंड द करंट स्पीड ऑफ द कार इज 94 किलोमीटर पर आवर ओए होए हां तो डिटेलेशन देख रहे हो स्पेंसर सर डिटेलेशन बोलो बोलो मैंने बोला था कल उसका तो इज्जत नहीं दिया था अरे बोलो अरे तू बहुत मैटर चल रहा है बहुत गेमिंग अरे बेस मत रे पूजा अरे तुमको ये बता सुनो सुनो पूजा सुनो सुनो ये मैं कॉल देता रहता हूं ना उसका याद आता है कुछ याद आ रहा है तुमको लॉस एंजेलिस तुमने देखा नहीं टीवी में वो एक हमने तो अपने लाइफ में ऐसे ऐसे ऑफिसर देखे कहा बताए कैसे कैसे ऑफिसर गोली मार देते रहेंगे without warning shoot indirectly threat aane pe shoot sir isko yahi se jail de tu ha ha de are ye sher sa bhi fine fek ke marta hai pata इसको मैं फुटपाथ पे कर मैं बोला फाइन दो गाड़ी में बैठे बैठे एक बंदे को बाहर निकाल के सीधा इंपाउंड मार दिया बिना बोले इतना बोलता है हेलो सर योर नेम प्लीज बोलता है कि मारने के बाद पूछ रहे हैं व्हाट हैपेंड नथिंग सो यू आर ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड व्हाई आर यू ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड अबे तो गाड़ी तो ले गया अबे गाड़ी तो चला गया देखो पूजा खुद सोचना पड़ेगा यार बोलो हार्ट से धात से बात कर रही हो ऐसी वैसी बात नहीं है मतलब ऐसा है अगर पेशेंट तुम्हारे पास है तो पहले उसकी किडनी निकालो पता नहीं भाई कोई समझता क्यों नहीं है बात को तुम्हें क्या आना रे आई एम चैटिंग चैट को भी फुल सपोर्ट करना चाहिए फुल सपोर्ट सभी लोग यार Discord join कर लो please okay तो सुन शेरशा here is the link guys let's join Discord everybody दे दे वो song जैसे कोई stress उस वाइब join करो verify करो अपने आप को अरे वो rapper होता है ना underground of the rapper taking a left going मचाएंगे part 5 बात बताओ सुनो सुनो एक चीज बता दूं इंग्लिश बोलने से कोई कूल नहीं बनता और हिंदी बोलने से कोई डल नहीं हो जाएगा पता है मेरा फुल बोलने वाला नंबर को इंग्लिश में ट्राई करने दो ना अभी अपने में तो ट्राई हां अपने में करो पर सिचुएशन गोइंग टुवर्ड्स अ वेस्ट बाउंडिंग लेफ्ट गोइंग टुवर्ड्स अ रॉकवुड प्लाजा सही रॉकवुड हां गोइंग टुवर्ड्स ओके सामने हां सही मेरे को लगा रोड के नाम पढ़ रहा हूं बोलो गोइंग कंटिन्यू स्ट्रेट ऑन द सैन विश्वजी बुलेवार दिस रिगार्ड गोइंग टुवर्ड्स अ किसका फोन आ रहा है गोइंग टुवर्ड्स अ लाइफ इन्वेंटर हैवी एवेन्यू वेस्ट बाउंड यूज कर लो भाई डिस्कॉर्ड नहीं यूज करते हो तो ज्वाइन करो बहुत कुछ मिस कर रहे हो लाइफ में बच बिजी कितने साल का मिला है ये पासपोर्ट शॉटगन हां ये नाना का होगा लगता दास याद है लॉस एंजेलिस में ये तू तुझे तुम थे या नहीं रेडियो पे ये वेशभूषी को मैं क्या कॉल देता वॉइस
Vespucci, Vespucci. Pucci, Pucci. अरे हाँ मैंने आपको देखा, वो आपको अप्रूव नहीं। वेरीफाई कर लेना गाइस, अपने आप को वेरीफाई करना जरूर करना। ओके नाम 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 बोल। नहीं नहीं आपका रीजन सबमिशंस करो, एक्सेप्ट करो रूल्स को, वेरीफाई करो, एक बार वेरीफाई चैट में चैनल में रिएक्ट करो, आपको मेंबर रोल मिल जाएगा। दोबारा एक बार रिएक्ट करना तो वेरीफाइड मेंबर्स का रोल मिल जाएगा। ये दो रोल्स आपके पास होने चाहिए, मेंबर्स एंड वेरीफाइड मेंबर्स। अगर आप रूल्स एक्सेप्ट नहीं करोगे आपको मेंबर्स का रोल नहीं मिलेगा। प्लीज डू दैट, प्लीज वेरीफाई योरसेल्फ, प्लीज। ओके आई एम वेटिंग फॉर यू टू वेरीफाई योरसेल्फ। उसके ऊपर एमडीटी उसको चाहिए। एक सेकंड ना ना पूजा मिल गया, डिस्कॉर्ड मिला, बस ताल के लिए दिया है। गुड चलो बोलो बोलो लियो कौन। अच्छा अच्छा सवाल, एक अच्छा आइडिया आ गया। ये बताओ डिजिटल वाले के बारे में उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, डिजिटल वाला पासपोर्ट के बारे में बोला कि नहीं बोला उन लोगों ने? साउथ रॉक फूड ड्राइव इस लैंग्वेज तो ऐसे मत बोला यार। पूजा वेरीफाई करो एक बार और, रिएक्ट करो पूजा। सी दैट यू हैव जॉइंड द डिस्कॉर्ड, रिएक्ट करो एक बार और, रिएक्ट करो, कम ऑन एक बार और रिएक्शन दो एंड यू विल गेट द थिंग। वेरीफाई में आओ और रिएक्ट करो। ओके मुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे डिजिटल पासपोर्ट के बारे में नहीं पता है, मतलब वो कार्ड बेस्ड हो जाएगा ऐसे कुछ, ऐसे कुछ था। इफ आई गेट दिस राइट going towards the ultra street westbound, samajh rahe ho guys? sabhi log reaction verify pe do bar react karna, okay? jab tak aapko verified ka role nahi milta hai, right, you will not be able to see the general chat, theek hai? so please click on verify, verify pe do bar reaction dena, jaise hi verified members ka role milega you will be able to see currently it currently on upper power street going towards the। मेरा तो लंबा चला, डेली से ऑनलाइन अप्लाइड किया था, जून में डेट मिली, अगस्त की उसके लिए लखनऊ गई, फिर इलाहाबाद गई, फिर बाद। अरे भैया मैंने जो सिटी चेंज किया है ना, तो थोड़ा सा मुझे रीप्रिंट करवाना पड़ेगा अपना। अरे भाई इनको बोलना पड़ेगा, समझ नहीं रही। काम करते हैं। आई थिंक उन्होंने कर दिया शायद रिएक्ट, शायद नहीं किया है, मुझे बोलना पड़ेगा। रुको taking a right f sorry taking a left। मैट गाचर बहुत बहुत स्वागत। देखा आपने दो मिनट में कर लिया भाई, दो मिनट में कर लिया। कौन से डाबा जमुना बोलो, डाबी जमुनी बाजी। आप गुजराती हो क्या? क्या करूं तेरे को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती रे, मराठी। मार इसको, मार मार, कब खोपड़ी तोड़ इसका रे। देखो ये बोल रहा, मैं बोल रहा डाई भाई बोल, तू लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट बोलता है, तो बोलता डाई भाई नहीं आ रहा। तेरा आईडी कार्ड दिखाओ तो तुम्हारा, मेरा। अबे पची राइट साइड ले दो, अबे पची लेफ्ट साइड ले दो, ऐसे कर देना। अभी बाजू वाड़ी जमुनी बाजू सेक्शन 1999, ठीक है? किधर से हो? और वो मेरे उसके लिए लाइक फ्यूचर में जो भी वीजा में अप्लाई करूंगा उसमें हेल्प मिलता है, राइट? बिकॉज़ आई हैव बीन टू कंट्रीज, वो कहीं जाए ना, मैं वही देख रहा हूँ। बोल रहा भाई देखो भाई, छी छी छी। अरे डाई भाई मेरे को होता ही नहीं याद रखने को, जाए किधर बाए किधर। लेफ्ट मतलब क्या? लेफ्ट मतलब डाई। अच्छा और राइट मतलब बाए, ठीक है।
डाबी बाजू जमनी बाजू लेफ्ट मतलब डाबी बाजू राइट मतलब जमनी अरे तेरी वैसी जमनी पूजा मिल गया बात कर लूं हां देखते हैं यार अरे भाई पासपोर्ट ऑफिस इंडिया वाले में कॉल किए थे मेन हेल्पलाइन सेंटर है वहां तो बोले कि वही रहेगा पता नहीं कैसे रहेगा मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या होता है और बाइंग क्या होता सभी लोगों ने गाइस मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो फटाफट डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो वेरीफाइड मेंबर्स का रोल मिल जाएगा तो आपको जनरल चैट दिखेगा सर सही नहीं दिया ना उस टाइम तो बोलेंगे व्हाट आपको वेरीफाइड मेंबर्स का रोल देता है ओके मैं राइटली बोलूंगा आप प्रोजेक्ट लाइफ इन्वेंटर गोइंग टुवर्ड्स सुनो अभी तुमको सिर्फ लेफ्ट और राइट बोलना है जिधर टर्न लूंगा लेफ्ट ले रहा हूं तो लेफ्ट राइट ले रहा हूं राइट बस इतना ही ठीक है ये तो इजी है लेफ्ट कभी जो ऐसे वो आए राइट दिल बे जो आए लेफ्ट लेफ्ट राइट दे रे बोले रे पे रा 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 जनरल चैट दिखने लगेगा गाइस आप लोगों को बस आप लोग बात कर सकते हो ओके बात कर लो भाई देख रहा हूँ यार क्या सीन है मैंने अमित का सेंटेंस कंप्लीट किया क्या चीज का अच्छा अब पता नहीं यार देखो यार शॉटगन हो जाना चाहिए अब लगे हुए हैं थोड़ा उसमें ध्यान देना है मुझे अभी कॉल्स देते देते बोलो लेफ्ट राइट वाला पूरा गाइस 5 से 10 मिनट और रहूंगा फिर ब्रेक लूंगा उसके बाद फिर जब आऊंगा उसे एक और स्ट्रीम करूंगा ओके पर ब्रेक लेना जरूरी है ठीक है तुमको गन देता मेरे को गोली मार दे बोलो बोलो इन गोइंग टुवर्ड्स द कैरसर वे वेज बाउंड टेकिंग going towards this regard taking a left वो पता नहीं वो towards a life inventor this regard going towards पासपोर्ट पे वो चीजें थप्पी रहेंगी कि नहीं वही चीज है वो मैं फिर मैं थोड़ी थोड़ा वाओ खेल कर का अरे हेलो 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 अभी अभी कहीं नहीं जाना अभी रुको शॉटगन रुक जाओ अभी थोड़ी देर 5 मिनट रुको मैं ये कंप्लीट करके मुझे भी वो देखना वाओ कैसे खेलते हो स्क्वाड पे इसलिए बुला रहा था मैं और प्लस बात भी करनी है तो पास में रुको अभी करता हूँ फिर बात लाला को मत जा ऊपर से खेलना है मेरी माँ का खेलना ही है तुमको मालूम भी है कैसे खेलना है तो फिर मजा भी आएगा वो हमको भी सिखा देना रात को राड़ा होगा फिर से हाँ भाई राड़ा ही हो राड़ा गुड इवनिंग तुषार लाला पे मत जा सब कुछ माँ का कंगन लोटा दे लाला ये जो किया बोला सभी लोगों को मैं वेलकम कर दे रहा हूँ उसमें ओके पता है गाड़ी के साथ जो भर का ना बोला क्या चेंज हो रहा है ऊपर क्या भर का शेर सा देख तेरा इतना भी ऐसे है भाई मेरे को लेफ्ट राइट का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा किसी पीढ़ी वाले का मैंने आज तक सोचा नहीं तो पहला ऐसा ऑफिसर है जिसका मेरे को लेफ्ट राइट का ट्रेनिंग लेना अभी तुमको मर जाएंगे नहीं नहीं अभी रास्ता से दिखेगा मुझे तुम पीछे बैठो मैं क्यों भर गया फिर उतरे स्पेंसर सर वाओ पागल हो गया स्पेंसर ये देख के बैठो 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 स्पेंसर स्पेंसर सर भी लाइक यू 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 बैठो जल्दी जुजु 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 जा से जा 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 नहीं नहीं जुजु जुजु मत करो जुजु चलो करंटली ऑन अ पोर्टोला ड्राइव साउथ बाउंड taking a left going to again taking a right again kaise re pehle to suno mujhe pd jaldi chhodna theek hai main thodi baad fir se aunga abhi thoda jaunga sone ke liye okay okay acha dhyan se suno baad mein information dena ye main dhyan se jo jo bolta hu isko thoda samajhna shirsha yes sir ave ka full form kya hota hai ave pata nahi एवेन्यू रोड रोड पे उसको पूछो रोड पे ऊपर जो लिखा था रोड पे लिखा होता है ए वी ई उसका फुल फॉर्म क्या होता है ए वी ई का नहीं पता मुझे एवेन्यू एवेन्यू अच्छा एवेन्यू पता है हां ए वी हां वही वही अच्छा, तो पूछ रहे डी आर का मतलब क्या होता है ड्राइव हां पी एल वी डी का मतलब क्या होता है बुलेवार्ड और पी एल का मतलब पी एल नहीं प्लेटफॉर्म फ्रीवे नहीं नहीं पी एल का मतलब क्या होता है प्लेस प्लेटफॉर्म प्लेस बस
इससे ज्यादा छोड़ के और कुछ है? फ्रीवे एफडब्ल्यू आई एसटी मतलब स्ट्रीट, हां बस फ्रीवे बस एसटी मतलब स्ट्रीट। प्रॉब्लम होगा कभी? नहीं बस कल रात को आओ स्पेंसर सर फिर से दिखाता प्रॉब्लम आप problems from sir don't like problems problems like I don't like it 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 I don't Welcome in night. Thank you. चलो guys, आप लोगों से बात कर लूं। मजा आया? You had fun? You guys enjoyed the stream? सभी लोग एक बार जबरदस्ती लिख दो yes, ऐसे कर दो। सोना कितना झूठ है? सोने जा रहा हूँ हाँ भाई। वाह वाह बोलना पड़ता है और क्या भाई। मीनाक्ष शर्मा जी नमस्कार, थैंक यू। वी एस एल एडेड थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर आएंगे थोड़ी देर बाद, फिर से आएंगे राइट। आप सभी लोग इतना प्यार देने के लिए आ जाइएगा ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड थैंक यू कि आपने स्ट्रीम को सराहाया राइट। थैंक यू श्रीमानामी फॉर द ऑल द सपोर्ट। थैंक यू टू माई व्यूअर्स हू हैव कम टू सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू फॉर 269 लाइक्स। थैंक यू एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। जितनी भी बड़ी जनता है उन सभी लोगों से शेयर करो कि गाइज दिस इज व्हाट आई एम एक्चुअली शोइंग। ये एक लेवल की आरपी हो रही है, एंजॉय कीजिए आप सभी लोग। और यस मेरी पूपू मेरी कुकू मेरी गुलगुल मेरे डुलडुल ऐसे ना ओके। सो बस वही सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर ये सब करते रहिए, मेंबरशिप्स बाय कीजिए यार, बहुत सपोर्ट मिलेगा मुझे ठीक है। थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, देखते हैं आगे क्योंकि चैनल भी तो चलाना है इसलिए। सो या एनीथिंग एल्स? और हाँ जो भी होता है आरपी में वो फन के लिए होता है, तो फन तक ही रहे, उसको सीरियस नहीं लेना। आरपी में क्या होता है, मैं कैसे आरपी करता हूँ, मेरा कंप्लीटली मेरा डिसीजन रहता है बिकॉज आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई चैनल राइट। तो काइंडली मुझे सपोर्ट करो बेस्ड अपॉन द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर एक्चुअली गेटिंग, दैट विल बी ऑल ओके। तो ऐसी है या वॉइस चेंजर का यूज करते हो? नहीं भाई वॉइस चेंजर नहीं है, इट्स माय रियल वॉइस। सो जैसे मैं कह रहा कि आप लोग फिर शाम में आ जाना, अभी मैं चला रिलैक्स करूंगा ओके। गुड नाइट एंड पीस आउट, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंजॉय, बाय बाय। डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर लो, फॉलो कर लो सब कुछ राइट। मैंने तीनों कमांड्स डाल दिए हैं, ये रहा इंस्टा मेरा वाला, थैंक यू मीनाक्षी जी। और इसके बाद ये दूसरा वाला है द ओपी वॉइस वाला, जिस पर मैं कविता विता रिकॉर्ड करने का सोच रहा हूँ, इसको भी फॉलो कर लो शेयर कर दो राइट। एंड मेंबरशिप लेना नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हो, डिस्कॉर्ड का भी लिंक दिया हुआ है मेरा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो उस पर राइट। वेरीफाई कर लेना, पूरा प्रॉपर प्रोसीजर से आना, वेरीफाई हो जाएगा। वेरिफिकेशन में आपको टिक करने के लिए बोलता है, इसको दो बार रिएक्ट करना है, एक बार आप करोगे तो आपको रूल्स पढ़ने बोलेगा, सबमिट कर देना ठीक आपको बोलेगा, फिर एक बार और रिएक्ट करो वेरीफाई रूल मिल जाएगा ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट एंड आई विल सी यू, गुड नाइट, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।